आज कॉन्फ्रेंस विल नाउ बी रिकॉर्डेड हम आज विद्रधि वृद्धि निदान जो अष्टांग हृदय निदान स्थान ग्यारहवा अध्याय है उसका जो आधा अंश है इस अध्याय में वैसे देखने के लिए जाए तो तीन व्याधियों तो अध्याय का नाम ही उसमें तीनों व्याधियों को उसमें संग्रह करता है अथा तो विद्रधि वृद्धि गुलम निदान व्याख्या इति हु अत्र महर्षयः तो इसमें इस, इस व्याधियों के वर्णन को शुरू करने से पहले मैं तीन चीजें कहना चाहूंगा एक तो अभी तो आपको सबको बिल्कुल पता होगा कि अष्टांग हृदय और चरक सुश्रुत इन दोनों के रचना में थोड़ा मूलभूत फर्क है अंतर है क्योंकि चरक और सुश्रुत ये दोनों प्रायः एज अ कन्वर्सेशन या संवाद क्लासरूम टीचिंग जैसे ग्रंथों की रचना है तो उनको उस तरीके से समझना आवश्यक होता है बल्कि जो अष्टांग हृदय तथा तो संग्रह है वो बड़े सोच समझ के प्लान करके लिखा हुआ ग्रंथ है कहने के क्या है इसमें तो जब भी ग्रंथकार अष्ट वागभाचार्य विशेषता ये कोई भी विशेष क्रम रखते हैं रचना करते हैं तो उसके पीछे कोई उपयुक्त प्रयोजन जिसका व्यवहार में भी सोच रखनी पड़ती है वो हमें ढूंढना पड़ता है देखना पड़ता है तो सबसे पहले जो चीज है वो तो एक की विद्रधि वृद्धि गुलम ये व्याधियों का उन्होंने समावेश चिकित्सा के अधिकार में किया है ये यहाँ पे ध्यान में रखना है ऐसा कैसे तो अष्टांग की रचना में जो अंत का उत्तर स्थान है उसके पहले के सारे स्थान ये चिकित्सा के अंग है और जो उर्वरित सात स्थान है उनके लिए उन्होंने उत्तर स्थान के अध्यायों का वर्णन किया है और ये तो बात कभी स्पष्ट है कि विद्रधि वृद्धि गुलम निदान ये हमें निदान स्थान इस अधिकरण में आने की वजह से अष्टांग हृदय को यह अभिप्रेत है कि आप और हमारे जैसे काय चिकित्सक भी इन व्याधियों की अवस्था देखकर चिकित्सा कर पाए और वशात विशेषता वृद्धि इन व्याधियों को हम बहुत बार समाज में भी और वैद्य वर्ग में भी सर्जिकल कंडीशन इस तरीके से करके छोड़ देते हैं लेकिन उसमें काय चिकित्सा और शल्य तंत्र दोनों के चिकित्सा का अंतर्भाव होता है वो किस प्रकार है और एज अ वैद्य आप और हम इन निदानों को करके हमारे चिकित्सा को कैसे बढ़ा पाएंगे ये हमारे इस अध्याँ के अध्ययन का प्रयोजन होने वाला है दूसरी बात क्रम की है तो आज तक हर एक वैद्य ने आपको ये बिल्कुल कहा है कि विशिष्ट अध्याय के बाद विशिष्ट अध्याय क्यों आया है तो इसके पहले का अध्याय जो था वो था प्रमेह और आपको ये भली बात ज्ञात होगा कि प्रमेह के जो सबसे प्रधान उपद्रव है वो है प्रमेह पीड़क और उसमें पीड़काओं के वर्णनों में विद्रोधि ये एक पीड़का का प्रकार उन्होंने वहां पे निर्देश किया था और वहां पे एक सूत्र था सूत्र क्रमांक ही वक्षते अन्यत्र मतलब क्या तो इन पीड़काओं में से जो भी विद्रोधी नाम की पीड़का है उसका वर्णन हम अन्यत्र कहीं और करेंगे कहीं और मतलब क्या तो आगे के अध्याय में करेंगे ऐसा क्यों अलग अध्याय कर अलग अध्याय बनाने की आवश्यकता क्यों हुई तो बाकी सारे पीड़काओं में से विद्रोधि यह स्वतंत्र रूप से होने की संभावना सबसे ज्यादा होगी तो इसकी स्वतंत्र संप्राप्ति भी प्रमेय छोड़ के भी हमें इस जो है विद्रधि नाम के पीड़का का वो बहुत बार व्यवहार में देखने के लिए मिलता है और इसीलिए उसके उपद्रव स्वरूप जो प्रधान विद्रधि है उसके अध्याय से उसके वर्णन से इस अध्याय की शुरुआत होती है लेकिन अगर देखने के लिए जाए तो इस अध्याय में विद्रधि वृद्धि और गुलम इन तीनों व्याधियों का एक साथ वर्णन किया है अब ये बहुत बात है कि ऐसा करने की जरूरत क्या है अलग अलग अध्याय भी कर सकते थे ये खासियत अष्टांग हृदय की है कि वो जो जिन भी व्याधियों के वर्णन को एक अध्याय में जोड़ते हैं उनके पूछे कुछ कॉमन पॉइंट रहता है जो हमें उसके संप्राप्ति निदान तथा चिकित्सा में उपयुक्त होता है आप आगे भी देखने वाले हैं पांडुशोफ विसर्प है कुित्र कृमि है श्वासिधमा है तो उनके पीछे कोई कॉमन फैक्टर्स होते हैं और अगर वो हम उसको ध्यान में ले ले तो व्याधि को समझना ये आसान हो जाता है यहाँ पे क्या है देखो वृद्धि और गुल्म ये तीनों अगर आप अलग अलग देखे ब्रोतरे में बहुत बहुत जगह पे इनका वर्णन अल्टीमेटली इट्स अ काइंड ऑफ शोथ शोथ मतलब क्या को जिनमें उत्सेद ये लक्षण हमें देखने के लिए मिलता है आप चरक त्रिशोथिये में देखिए चरकाचार्य के शहतु चिकित्सा में देखिए या आगे जाके हम विद्रति का वर्णन देखने वाले हैं इसी अध्याय में तब देखिए कि शोधत्व के बिना इन व्याधियों का वर्णन पूरा नहीं होता तो इनमें एक सामान्य जो बात है वो उच्छेद होना ये है अभी ये उत्सेद होना ये किस संप्रप्ति घटक से आता है तो वहां पे दोषों का संघात बहुत ज्यादा होना ये उसके पीछे का हेतु है बहुत कम जगह बहुत ज्यादा मात्रा में दोष इकट्ठा होना जिनको हम संचय या चित होना ये भी कह सकते हैं ये इन तीन वैधियों में सामान्य बात है अब तुलना से कीजिए में दोष ये सर्वव्यापी रहते हैं बहुत द्रव श्लेष में होता है उनमें कहीं एक जगह पे बहुत ज्यादा संचय हुआ है ऐसी बात देखने के लिए नहीं है लेकिन बिल्कुल विपरीत विद्रधि वृद्धि और गुलम में बहुत कम अवकाश में बहुत ज्यादा दोष हो बहुत ज्यादा दोष इकट्ठा हो जाते हैं और इसकी वजह से हमें वहां पे ये 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 देखने के लिए मिलता है 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 और याद रखिए दोस्तों यहाँ पे पे जो स्वभाव है इस व्याधि का ये हमें उपयुक्त तो होता है, तो एक तो काय चिकित्सा का अधिकरण खत्म होके शस्त्र कर्म का अधिकरण कहाँ पे शुरू करना है ये हमें ध्यान में रखना है क्योंकि इतने बड़े दोष संघात को एक छोटे जगह से निकालने के लिए बहुत बार हमें शोधन चिकित्सा उपयुक्त तो नहीं होती उसके लिए हमें तात्कालिक यथा योग्य शस्त्र कर्म का उपयोग करना पड़ता है और तभी हम इतने बड़े दोष संघात को बहुत कम समय में बाहर निकाल सकते हैं और इसीलिए जब चिकित्सा देखोगे तो याद रखना कि इन तीनों व्याधियों में अवस्थावशाद शस्त्र कर्म का भी उपयोग करने के लिए ग्रंथकार ने बिल्कुल बोला है लेकिन मैं मेरी बात फिर दोहरा कि इनकी शुरुआत और इनके चिकित्सा का शुरुआती उपक्रम में काय चिकित्सा का अधिकरण प्रधान है तो आप और हम आय चिकित्सक होने के वजह से हमें बिल्कुल याद रखना है कि इनकी चिकित्सा करने का कर्तृत्व और क्षमता हमें होनी चाहिए ऐसा का ग्रंथ की अपेक्षा है तो ये इन तीन व्याधियों के बारे में हो गया कि इनका साथ में वर्णन क्यों किया गया है उसके बाद जो पहला व्याधि है वो है विद्रधि तो इस व्याधि की निरुक्ति क्या है तो अलग अलग जगह पे हमें इसी ग्रंथ में चिकित्सा स्थान में चरक के सूत्र स्थान में देखने के लिए मिलता है कि शीघ्र विदाहित्व इस, इस व्याधि को शीघ्र विधा विद्री ऐसा कहा गया है अभी विद्धा मतलब। विद्धा मतलब क्या? तो विधा का एक बहुत सुंदर वर्णन इंदु इस अष्टांग संग्रह के टीकाकार ने किया है कि विधाह यानी यहाँ पे पाक अभिमुखत्व मतलब टेंडेंसी फॉर पाक पाक होने की प्रवृत्ति को विधा कहेंगे और ये शीघ्र मतलब बहुत कम समय में बहुत जल्दी पाक होने की जो संभावना है वो सबसे ज्यादा जिस व्याधि में होती है वो व्याधि है विद्रोधि तो इससे हमें क्या समझ में आया पहली चीज तो ये दोष संघात प्रधान व्याधि होने वाला है शोथ का एक आ, डेरिवेटिव है ये तो बहुत कम जगह बहुत ज्यादा दोषों का संचय यहाँ पे होने वाला है पहली बात दूसरी बात ये व्याधि पाका भी मुख है मतलब इसमें पाक होने की संभावना बहुत कम समय में बहुत ज्यादा हो सकती है और पाक होने के लिए हमें बिल्कुल बात पता है कि उष्ण गुण के बिना पाक होना असंभव हो है तो हम ये भी रिड्यूस कर सकते हैं कि उष्ण गुण के बिना इस व्याधि का उद्भव होना ये लगभग असंभव हो है तो ये प्रस्तावना देखने के बाद हम एक्चुअल विदर्दी के वर्णन को देखने की शुरुआत करेंगे उसका जो पहला सूत्र है वो देखिए भुगतई ही पर्युषिता जिम्मशय्या विचेषा भी तईत ही, ही चु प्रदूषण ये विद्री के हेतुओं का सूत्र है इस सूत्र का थोड़ा सा हम ब्रेक करेंगे जो इसकी पहली लाइन है ही। कैसे पर अत्युष्ण रूक्ष शुष्क और विदाही इस तरीके के बहुत ही विशिष्ट गुणधर्म वाले आहारों का जिक्र यहाँ पे किया गया है उनको मैं थोड़ा रियरेंज करता हूँ हमारे समझ के लिए इनमें पहले क्या आया है अत्युष्ण और विदाही इन दो प्रकार के आहार विशेष तो अत्युष्ण यानी अत्यंत उष्ण सीधा साधा नहीं तो यहाँ पे दोनों चीजों को लागू पड़ता है एक तो वीर के हिसाब से और दूसरा सेवन के समय उसके स्पर्श के हिसाब से तो अत्युष्ण है यहाँ पे सिर्फ उष्ण नहीं है ये बात हमें यह दोहराता है कि ये व्याधि शीघ्र पाकि क्यों होने वाला है दूसरी बात विदाही तो विदाही और अत्युष्ण इसमें भेद क्या या उष्ण और विदाही? क्योंकि अल्टीमेटली विदाही का मतलब ही क्या है तो दाह करने वाला विकृत तरीके से या विशेष तरीके से दाह करने वाला तो इसकी एक बहुत सुंदर परिभाषा हमें दलन स्टिका में उन्होंने कहा है कि विदाही यद अम्लोदार दाह तृष्ण प्रभृतिदीर्य कृरात पाक उपगछती तद विदाही माने क्या कि जब पचन के समय

ये देखने के लिए मिलने वाला है तो ये बहुत ही विशिष्ट परिभाषा हमें विदाई की देखने के लिए मिलती है उसके बाद जो एक बहुत विशिष्ट हेतु तो यहाँ पे आता है वो है परयुषित परूषित इस आहार विशेष इस प्रकार के आहार का अलग वर्णन गुण कर्मों का हमें साक्षात बृहत्री देखने के लिए नहीं मिलता है लेकिन उसमें कुछ अलग अलग जिक्र आए हैं अलग अलग संदर्भों से उससे हम ये दो चीजें तो बिल्कुल देख सकते हैं कि एक तो ये त्रिदोष प्रकोपक है और दूसरा ये अम्ल विपाकी है इसके साथ साथ परुषित अन्न का मन पे भी परिणाम बिल्कुल होता है लेकिन उसका रिलेवेंस यहाँ पे नहीं होने की वजह से मैं उसमें जाने वाला नहीं हूँ हमें यहाँ पे यह देखना है कि अत्युष्ण विदाही और परुषित ये तीनों प्रकारों के आहार विशेषतः ये पाका भी मुखत्व जलन के लिए अत्यंत उपयुक्त होने वाले हैं इन आहारों के सेवन से पाक होने की प्रवृत्ति बढ़ने वाली है क्योंकि पित्त वृद्धि और रक्त दुष्टि ये दोनों करने के लिए ये हेतु कारमुख है लेकिन इतना करके काफी नहीं है विद्री होने के लिए आगे की चीज ये जो बहुत जरूरी है और समझना बहुत महत्वपूर्ण है तो ये दो हेतु है शुष्क अभी इसमें थोड़ा सा गौर करेंगे इसमें भेद क्या है रुक्ष और शुष्क ये दो अलग अलग हेतु तो क्यों बोले यहाँ पे तो देखिए रूक्ष ये विंशदी गुणों में से एक है और शुष्क ये ज्यादातर हमारे आहार पदार्थों के कंसिस्टेंसी पर निर्भर करता है मैं आपको एक छोटा छोटे उदाहरण देता हूँ तो समझ में आ जाएगी बात अः फॉर एग्जाम्पल समझो हम आ, वेफर्स खा रहे हैं चिप्स खा रहे हैं तो वो बने किससे होते हैं वो तो प्रायः आलू के खाते हैं समझो या केले के खा रहे हैं उनको तेल में तला हुआ होने वाला है और उसके साथ उसमें नमक छिड़का हुआ होने वाला है तो ये तीनों प्रधान घटक द्रव्य उनके स्निग्ध है लेकिन जब हम उनको खाते हैं तो उनको बहुत चबाना पड़ता है वो सूखे होते हैं तो वो गुण में स्निग्ध लेकिन खाने में शुष्क होने वाले हैं हम उल्टा देखेंगे जो भी हमारे अन्न है मतलब जो जो मसूर चने या सोया हो जो भी धान्यों में है वो स्वभावतः रूक्ष होते हैं लेकिन समझो हम उनके सब्जी करके खाएं या उनका या यूश पिए तो वो सारा आर्द्र होने वाला है मतलब क्या वो गुण में रुक्ष है लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी में आर्द्र है लेकिन यहाँ पे यह बात जरूर याद में रखिएगा कि वृक्ष और शुष्क शुष्क साथ में दिया है तो वृक्ष ये ऐसे आहार जैसे मैंने बोला कि वृड़ अन्न होगा ये ऐसे कोई आ, बेसिकली शिमी धान्य ऐसे आहार वर्गो से देखना है और शुष्क ये खाना खाते समय उसमें आदरत्व बिल्कुल नहीं होने वाला है उनका हमें भक्षण करना पड़ेगा बहुत चबाना पड़ेगा ये दोनों चीज यहाँ पे साथ में हम देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल दाल के पापड़ ये शुष्क हो सकता है एंड सो ऑन तो अभी इन दो हेतुओं का यहाँ पे विशेष उल्लेख क्यों किया है क्योंकि ये गुण तो पित्त को, पित्त को तो देखा था कि ये नाम का जो व्याधि है उसमें दोष संघात है वो स्थिर या अल्पचल होना अपेक्षित है मैं आपको थोड़ा उल्टा एक उदाहरण देता हूं तो बात जल्दी समझ में आ जाएगी कि जब उष्ण और विदाही हेतुओं को स्निग्ध और द्रव इन गुणों का जो गुणों का जोड़ मिलेगा तो विसर्प जैसा तो दोष एक जगह रुकने वाले नहीं है वो हमेशा चलित होने वाले हैं और इसलिए कुछ घंटों में विसर्प की व्याप्ति बहुत बढ़ जाती है विद्रदी का बिल्कुल उल्टा है विद्रोधी अगर एक जगह पे उद्भुत होने लगा तो वो कुछ दिनों तक वहीं पे आम पश्चमान पक्वास्था होके फिर उसके आगे की संप्राप्ति घटती है और उसके लिए अगर दोषों को एक जगह पे रुक के ही संप्राप्ति करनी हो तो हमें अतिरिक्त स्निग्ध द्रव गुण की आवश्यकता नहीं है किंबवना शुष्क इन प्रकार के आहारों का हमें वहां पे हेतुत्व में ढूंढना पड़ेगा और इसलिए यह बहुत ही सुंदर तरीके से पांच ही हेतुओं का आहरी हेतुओं का वहां पे जिक्र है जो कि बहुत व्याधि विशिष्ट हेतु है लेकिन उनके समुच्चय से विद्रोही होने की संभावना ये बहुत बढ़ सकती है क्योंकि पाका भी मुखत्व और एक जगह पे स्थिर या अल्पचल दोष संघात को उत्पन्न करना ये इनका कार्य मुखत्व है अभी यहाँ पे जो पहला शब्द है भुक्त ही, ही उसका मतलब टीकाकरण ने बहुत सुंदर दिया है कि अभ्यासी कृत ही, ही तो ये विद्रधि ये व्याधि होने के लिए हमें इन प्रकार के हेतुओं का बहुत दीर्घ काल तक सेवन करना अपेक्षित है इसका मतलब कल कुछ तो खा लिया और आज उस उन हेतुओं से विद्रधि होगा ऐसा नहीं होने वाला है ये बहुत काल के बाद विद्रधि नाम का स्वतंत्र व्याधि हमें देखने के लिए मिलने वाला है तो ये हेतु बल की तरफ निर्देश करता है हेतुओं का बल बहुत ज्यादा होने के बाद ही हमें विद्रधि नाम का स्वतंत्र व्याधि देखने के लिए मिलने वाला है ये हो गया आहारी हेतुओं के बारे में जो तो दूसरी लाइन है वो बिहारी हेतुओं के बारे में जिंछी है जिम्म जिम्म मतलब वक्र या कुटिल मतलब टेढ़ा मेढ़ा हम हिंदी में देखेंगे तो ये ये जो विशेषण है वो किन के लिए है तो आगे जो शैया और विचेषा ये जो विहारात्मक परिभाषाएं हैं शैया मतलब बेड जहाँ पे हम सोते हैं और विचेषा मतलब हमारे अलग अलग फिजिकल मूवमेंट्स uh, हलचल तो ये अगर हमारी शैया जहाँ पे हम लेटते हैं सोते हैं वो अगर टेढ़ी मेढ़ी हो समतल नहीं हो या हम जो व्यवहार करते हैं जो हम फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं उनमें सिमेट्री नहीं हो याद रखिए प्रायः आप अगर देखोगे तो जो भी हम दिन भर में फिजिकल एक्टिविटी करेंगे उनमें समत्व होना अपेक्षित है दे शुड बी सिमेट्रिकल अगर हम कोई भी विषम तरीके से चेष्टा करें तो क्या होने वाला है तो उसमें दोषों के गति पे बिल्कुल कुछ तो परिणाम होने वाला है अगेन ये एक या दो दिन की बात नहीं है अगर हम कोई विशिष्ट आप देखोगे कि समझो कोई बैंक में काम करने वाले व्यक्ति हो और उसके बाई तरफ कंप्यूटर हो तो उसको कंटिन्यूसली बाई तरफ देखना पड़ता है और ऐसी छोटी छोटी चीजों से एक हाथ का दर्द होना मन्या में एक बाजू में दर्द शुरू हो जाना इस तरीके की हमें तकलीफ देखने के लिए मिलती है तो इस विहार हेतु का क्या यहाँ पे प्रयोजन हो सकता है ये जब हम सोचते हैं तो एक बात ऐसी अनुमान से लगती है कि प्राय किस जगह पे स्थान होने वाला है दोषों की गति ये कहाँ पे धीमी हो सकती है कहां पे उनका कहा हो सकता है यह पोस्टरल चीजों पे भी बिल्कुल मैटर करता है ये हमें सबको व्यवहार से पता है तो ये विषम ये होने की वजह से जहां पे विकृति उत्पन्न होगी जहाँ पे दोषों के गति में थोड़ा सा धीम, धीमा आएगा, उनमें थोड़ी लेथर्जी आ जाएगी वहां पे दोषों का जय होने की संभावना ज्यादा होने वाली है दोष वहां पे रुक से जाने लगेंगे और वो शायद वहां पे विद्रोधी होने का स्थान संश्रय हो का हेतु हो सकता है देखिए हमारे शास्त्र में हर एक लक्षण के पीछे कुछ तो तर्क होना यह बहुत जरूरी है मतलब घुटने में दर्द क्यों है जन ऊर्जा क्यों है दक्षिण में क्यों नहीं या दक्षिण नेत्र में क्यों वाम में क्यों नहीं इसके पीछे भी कुछ तो हेतु हो, होना यह अनिवार्य है वो हमें समझ में आता है या नहीं है यह अलग बात है लेकिन कोई भी चीज हमारे यहाँ पे रैंडमली या ऐसे ही नहीं होने वाली उसके पीछे हेतु को ढूंढना यह हमारे और आपके कौशल्य की बात है वैसे ही विद्रति किस जगह आ रही है बार बार वहीं पे क्यों आ रही है इसके पीछे भी अगर हमें कुछ हेतु ढूंढना हो तो मुझे ऐसा लगता है कि इस व्यवहार हेतुओं की और डिटेल में पढ़ाई की तो हमें उसके जवाब मिल सकते हैं और ये जो व्याधि विशिष्ट हेतु हो गए उसके बाद जो उन्होंने कहा है समर किया है वो क्या है तो तई तई ही अश्रुक प्रदूषण ही अश्रुक मन रक्त तो ये तो सारे व्याधि या हम कह सकते हैं कि उभय हेतु है उसके साथ साथ और जो अनुक्त हेतु है जिनसे भी विद्रोधी हो सकता है वो कौन से है तो अश्रुप्रदूषण ही जो रक्त रक्तुष्टर हेतु कहे गए हैं वो सारे विद्रोधी व्याधि के हेतु हो सकते हैं अब इनका उल्लेख पे आया है तो इसी ग्रंथ में सूत्र स्थान सिरा विधि जो सत्ताईसवा अध्याय है उन्होंने वहां पे उनका उल्लेख किया है अभी मजे की बात यह है कि वहां पे भी वागभ ने सूत्र रूप से ही इसका वर्णन किया है वो क्या है तत्व पित्त श्लेषमलय ही प्राय दृश्यते तो जो हेतु पित्त और कफ इन दोनों को साथ में बढ़ाते हैं इस तरीके के हेतुओं से ही प्रायः जनरली पित्त की दृष्टि होती है तो इन शॉर्ट पित्त कफ को साथ में बढ़ाने वाले हेतुओं से जो रक्त कर रहे, उनसे भी विदृद्धि हो सकता है लेकिन ये दो नंबर के हेतु है जो एक नंबर के हेतुओं का समुच्चय है जो व्याधि विशिष्ट है उसका वर्णन हमें अभी देखा है लेकिन ये जो आखिरी का सूत्रों का जो वर्णन है वो हमें किसका निर्देश करता है तो हमें इससे ये जानकारी मिल गई कि विद्यति के बारे में सोचना है तो रक्त के बारे में हमें हमेशा सोचना पड़ेगा तो रक्त के बारे में जो विशेष सोच रखनी है उसका उपयोग हमें चिकित्सा में बहुत ज्यादा होता है ये आप जब चिकित्सा देखोगे तो पहले सूत्र से आपको समझ में आ जाएगा ये बात देखते हुए हम इमीजिएटली रक्तों को पकड़ के आगे बढ़ेंगे दूसों के बारे में जो जानकारी सूत्र क्रमांक दो में दी है क्या है वह मांस दुष्टत्व माउन समेतोस्थी स्नाश्रया शोफो बहिर्तरवा महामूलो महाुज आय तो योवा स्मृत सविध्री तो पहले पंक्ति में यहाँ पे उन्होंने दुष्यों के बारे में कहा है अभी मजी के बाद देखो दोषों का तो यहाँ पे उल्लेख ही नहीं है उन्होंने क्या कहा है डायरेक्टली दुष्ट ये आगे के सारे लोग दुष्ट हो जाते हैं तो दोष कौन सा है तो अनुक्त है, मतलब यहां पे किसी एक ही दोष से संप्रप्ति घटती है ऐसा बिल्कुल नहीं है तो किसी भी दोष से विद्रोधी हो सकता है यस yes. हमें ऐसा लगता है कि जैसे गुलमा में है वात जुगुल पित्त जुगुल कफ जो गुल पित्त भी गुलम में वात के साथ करता हो सकता है वैसे ही यहाँ पे

चिकित्सा भी बहुत सुंदर तरीके से दोषों के आधार पर दी है और उनमें से एक या सारे दोष मिलाकर संप्राप्ति कर सकते हैं और इसीलिए है। है। लेकिन उनमें या सामान्य होने वाले है कॉमन होने वाले हैं वो कौन से हैं तो तवक मांस मेद अस्थि स्नायु रक्त और कंडरा इसमें जो धातु है साक्षात वो कौन कौन से है रक्त मांस मेद अस्थि और जो उपधातु है वो है त्वक स्नायु और कंडरा तो देखो विद्रधि इस व्याधि का गंभीर तक स्नायु कंडरा का तक अगर विद्रधि में पाक पहुंच गया तो कितनी बड़ी हानि होगी यह आप विजलाइज कर सकते हैं और इसीलिए आगे जाके देखने वाले हैं कि इस व्याधि को ही दारुण बोला है इसमें जो प्रधान दुष्ट है वो रक्त है और उसके वजह से हमने अभी जो पहले देखा था वही इस अध्याय में गुलम के वर्णन के अंत में उन्होंने कहा है कि पच्चते शीघ्रथम दुष्ट रक्ताश्रया इस अध्याय के अंत में उन्होंने गुल और विद्रधि इन दोनों में पॉइंट डिफ्रेंशिये हैं उनके बारे में चर्चा में आज नहीं करूंगा वो गुलम पढ़ने के बाद वो इस क्रम से तो अपने आप अप हो जाएगी लेकिन यहाँ पे वो सूत्र जरूरी है समझना कि दुष्ट रक्त होना ये इस संप्राप्ति का सबसे प्रधान घटना है उसके साथ साथ सुश्रुताचार्य मांसों को भी जोड़ देते हैं प्रमुख दुष्य में वो कहते हैं मांस शोणित बाहुल्यात पाकम गच्छति विधरती और अगर आप वही सिरा वेद वाला सूत्र का अध्याय देखो वहां पे भी विधरती का उल्लेख पहली पंक्ति में आता है दुष्ट रक्तजन्य व्याधि के तो हम क्या कह सकते हैं कि इस व्याधि का प्रधान रक्त दुष्य है प्रधान दुष्य रक्त है दो नंबर का दुष्य मांस है और आगे के सारे तुलनात्मक रित्या लेकिन महत्वपूर्ण दुष्य है तो इस तरीके से इतने व्यापक दुष्यों की जो लेंथ है वो हमें विद्रदी का गांधी और दारुणत्व दिखाता है उसके बाद जो उन्होंने आगे वर्णन किया है वो इस व्याधि का स्वरूप है यह क्या है शोफहा ये हमने पहले स्लाइड में देखा था कि दोषों के द्वारा जब इन दुष्यों की दुष्टि हो जाए तो शोफ आने वाला है उच्छेद होने वाला है वो किस तरीके का है तो महामूल आ, महामूल और महारुजा ये इस शोफ के विशेषण है महामूल्य क्यों तो हमने अभी दूषियों का ग्भीर्य देखा कितने पे मौजूद है तो संप्राप्ति में इनकी जड़े, डीप डीप इनकी जड़े जड़े डीप डीप सीटेड रूटेड दोषों की जड़े ये बहुत अंदर तक होती है और याद रखिए ये महामूलत्व की वजह से ही विद्रोधी होने के बाद इमिजिएटली आईएनडी कर देना या उनका पाटन कर देना ये चिकित्सा का हमारे यहाँ पे निषेध है हमें अवस्था देख के क्या करना होता है तो पहले इनके जो मूल है जहां तक तक दोष पहुंचे हैं, वहां से उनकी संप्रप्ति भंग करनी है उसके लिए उपनाह जैसे स्वेदन प्रक्रिया हमारे यहाँ पे कही गई है एक बार दोष पक्व हो गए दूषण से अलग हो गए फिर हमें उसके शस्त्र करने की परमिशन दी गई है तो ये महामूलत्व के उपक्र चिकित्सा उपक्रम में बहुत जरूरी है अगर विदर्धि की उपेक्षा हो गई तो नाड़ी व्रण स्नायु कंडरा नाश इस तरीके के भी हमें उपद्रव देखने के लिए मिलते हैं और इसीलिए इस व्याधि का व्याप्ति को देखना बहुत जरूरी है और आगे की बात है महारुजा रक्त जब दुष्य हो तो रुजा भिन्न भिन्न तरीके की व्यक्त बहुत है लेकिन यहाँ पे बाकी रक्त व्याधियों से भी रुजा ये बहुत ज्यादा होती है और इसीलिए एक तो जितनी ज्यादा रुजा रुजा उतना रुग्ण का सत्व कम कम होते जाता है सत्व कम हो सकता है और इसकी वजह से इसको टीका ने कहा है कि दुरुपक्रमत्व आ जाता है कि स्वभाव से ही विद्रोधी व्याधि को ठीक करने के लिए कष्ट हो सकते हैं ये टीका मत उत किया है इसके बाद जो उसमें वर्णन है है या अंत तो एक गौर फरमाने की बात यह है कि विद्रधि ये चरकाचार्य ने भी बाह्य मार्ग में होने वाला या उसके साथ साथ विकल्प से अभ्यंतर मतलब मा कोष्ठ मार्ग में भी होने वाला व्याधि ऐसा कहा गया है तो तीन रोगों मार्गों में से दो रोग मार्ग में यह व्याधि हो सकता है तो बाहर अगर हो गए तो उसको बही कहेंगे अभ्यंतर रोग मार्ग तो उसको अंतक कहेंगे तो ये भी विद्रधि का एक विधि भेद कहा गया है उसके बारे में ज्यादा जानकारी आगे आने वाली है उसके बाद उसका आकार विशेष कहा है कि वृत्त वो कभी भी कभी वर्तुलाकार हो सकता है आयतो वा आयत का मतलब उन्होंने कहा है कि न वर्तुला तो कभी वो वर्तुलाकार हो सकता है या कभी कभी उसका वर्तुल न होते हुए कोई विषम आकार ये भी हमें देखने के लिए मिल सकता है और इस प्रकार का विद्रधि शोढ़ा शोढ़ा मतलब छह प्रकार का देखा जाता है तो ये छह प्रकार कौन कौन से हैं? तो ये छह प्रकारों का जो वर्णन है वो आगे के सूत्र में आता है दोष ही पृथक समुदित शोणितेन क्षतेन च पृथक दोष ही पृथक मतलब अलग अलग वातज पित्तज कफज ये एक दोष जो यहाँ पे उनका वर्णन है समुदित ही मतलब संनिपात संपात से होने वाला यह एक चौथा भेद है फिर शोणितज ज मतलब रक्तज यहाँ पे टीकाकर बहुत अच्छा एक उल्लेख करते हैं कि ये बात बार बार डिस्कस भी होने हो गई होगी अभी इसके बाद भी जब भी इस प्रकार के अः के प्रकार आएंगे जिनमें दुष्यज या कोई और हेतु के द्वारा उत्पन्न होने वाले भेदों का वर्णन किया होता है वहां पे हमें ये देखना है बिल्कुल याद रखना है कि दोषों के बिना तो कोई व्याधि का प्रकार शुरू होने वाला नहीं है लेकिन जब दोषों के साथ किसी विशेष हेतु को या दुष्य को इक्वल इंपोर्टेंस होता है तो हम उसको उस प्रकार से बुलाते हैं जैसे शोणित तो वहां पे रक्त ये दोष के बिना तो संप्राप्ति शुरू नहीं कर सकता लेकिन यहाँ पे संप्राप्ति और लक्षण व्यक्त करने में उस दोष के साथ रक्त इस दुष्य का अभी कार्मुक हो तो बहुत ज्यादा है यहाँ पे एक बहुत बढ़िया उदाहरण बहुत बार ग्रंथकार देते हैं टीका कर देते हैं कि जलने का एग्जाम्पल कि जब हमें कुछ हम हम जल हमारा हमारी तो जल जाती है तो किससे जली है हम बोलते हैं कि घी से जल गई तो घी से जलना मतलब क्या तो घी गर्म था इसलिए जला तो इसमें जलने वाला घी नहीं था जलाने वाला तो उसके अंदर की ऊष्मा थी लेकिन किससे जलन हु, हुई है यह भी यहाँ पे हमें साधन को देखना बहुत जरूरी हो जाता है तो जैसे घी और ऊष्मा दोनों मिला के जलाते हैं और फिर चिकित्सा में हमें उन दोनों के बारे में सोचना पड़ता है वैसे ही यहाँ पे रक्त और उसके अधिष्ठित दोष दोनों के बारे में हमें चिकित्सा में सोचना पड़ता है उनके लक्षण अलग होते हैं और इसीलिए यहाँ पे उन्होंने अलग भेद किया है और उसके साथ साथ क्षतज यह भी एक हेतु विशिष्ट भेद यहाँ पे कहा है इसको हम आगंतु तरीके का भी व्याधि कह सकते हैं विद्रधि का भेद और उसके बारे में उसकी संप्राप्ति ये बाकी विद्रधियों से कुछ अलग होती है और इसीलिए इसका एक छठा भेद हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है उसके आगे जो चार है वो देखेंगे बाह्योत्र तत्र तत्रांगे दारुणो अंतरो गुलमव घना वलमीकवत समुच्छ्राही शीघ्र घाती अग्निशस्त्रवत तो अभी हमने जैसे देखा कि आश्रय भेदात या अधिष्ठान भेद से दो प्रकार है बाह्य तथा अभ्यंतर जो बाह्य रोग मार्ग में है उनको उन्होंने क्या कहा है कि अत्र यहाँ पे जो बाह्य कहा गया है तत्र तत्र, तत्र अंगे उस अवयव उस पे तो हमें पता है कि जनरली हम विद्रोह देखते हैं तो विशिष्ट जगह पे बाह्य विद्रोधी हमें दृष्टि दिख जाती है तो वो विशिष्ट अवयव में हमें देखने के लिए मिलती है दारूण और वो स्वभाव से ही दारूण दारुण मतलब भयंकर बहुत तकलीफ देने वाला ऐसा ये बाह्य प्रकार का व्याधि कहा गया है और उसका स्वरूप कैसे होता है ग्रथित मतलब गांठ जैसा

ज्यादा महत्वपूर्ण है वहां पे बहुत सारे स्रोतों के मूल स्थान है वहां पे सिराओं के अधिष्ठान है और इसीलिए अगर वहां पे इस तरीके का दोष प्रकोप होके विद्रोह की संप्राप्ति हो गई तो होने का और आगे जाके मृत्यु तक जाने का संभव ये बहुत ज्यादा रहता है और इसीलिए बाह्य विद्रोधी ये दारुण बोली है अभ्यंतर दारुणतर मतलब मच वर्स देन बाह्य ऐसा उन्होंने कहा है गंभीर

उसके बाद उन्होंने उसका जो वर्णन किया है वो है वल्मीकवत समुच्छ्राई। वल्मीकवत मतलब क्या वल्मी का मतलब ऊपर उठ सकता है यहाँ पे डलनाचार्य कहते हैं कि विशिष्ट लक्षण जो है ना वो तब व्यक्त होता है जब पच्चमावस्था होती है तो पश्चमानवस्था में प्रायः ये अभ्यंतर गुल्म विशेष रूप से ऊपर उठ के आता है और तब आपको शायद आंखों से भी ये हमें देखने के लिए मिल सकता है और इसको उन्होंने एक प्रोग्नोसिस बहुत ही जरूरी पे कहा है वो है घात करना मतलब नाश करना और इस कॉन्टेक्स में इसका अर्थ मृत्यु देना यहां तक हम ले सकते हैं तो अगर इस विद्रधि की उपेक्षा हो गई अभ्यंतर विद्रधि की या ढंग से चिकित्सा नहीं हो पाई तो वो अत्यंत कम समय में घात कर सकता है किस तरीके से जैसे अग्नि या शस्त्र इनका घात ये कुछ ही क्षणों में मृत्यु ला सकता है उतने ही जल्द अभ्यंतर विद्रधि भी ये घात कर सकता है देखो एक तो पहले ही शीघ्र विदाह ये सामान्य विद्रधि का स्वभाव है उसमें चल के अभ्यंतर विद्रधि का स्वभाव शीघ्र घाती कहाँ है तो ये शीघ्र घाती ये कितना जरूरी है प्रोग्नोसिस के लिए और इसके लिए हमारे और आपको वैद्य के तौर पर अगर इसका निदान करके चिकित्सा करनी है तो हमें कितना सजग कितना अलर्ट रहना पड़ेगा ये बात देखने यहाँ पे बहुत जरूरी है तो ये जो दृष्टांत है अग्निशस्त्र हमें इस व्याधि का अग्निशस्त्रित्व दर्शाता है इसके बाद उन्होंने आगे उसके कुछ अधिष्ठान कहे हैं जो कि अभ्यंतर मार्ग के यहाँ पे उल्लेखित है वो है सूत्र क्रमांक पांच का जो दूसरी पंक्ति है वहां पे शुरू होते हैं वो नाभि बस्ती यकृत प्लीह क्लोम रुत कुक्षी वंशे सृक् अपने च तो ये अलग अलग कोष्ठस्थ महास्रोत में जो स्थित है ऐसे अलग अलग कोष्ठांग विशेष है नाभी बस्ती क्लोम हृदय कुक्षी कुक्षी ये अः अवय नहीं है बल्कि कुक्षी ये कोष्ठ की एक आ, अवकाश विशेष है या जगह है ऐसा हम कह सकते हैं ऐसी चीज वंशन में है जो पैर और कोष्ठ का संधि है उनको वोक्षण कहते हैं वृक्क हमें पता है और अपान अपान का मतलब गुद ऐसे अलग अलग उन्होंने के तो यह देखने के बाद फिर उन्होंने जो विद्री के दोष जो भेद है उनका वर्णन किया है हम पहले ये सारे सूत्र एक साथ पढ़ेंगे और फिर उसके बारे में हम थोड़ा टेबुलर फॉर्म में उनका वर्णन देखेंगे तो सूत्र इस प्रकार है दोषज भेद के वाता तत्र अति तीव्र रुख श्यावार चिरोत्थान पाक विषम संस्थिति स्पंद सर्पण शब्दवान यहाँ पे सिर्फ एक जो पाठभेद है वो चित्रोत्थान चिर मतलब बहुत देर से उत्थान और पाक मतलब उसका उत्पन्न होना और पाक होना विद्रधि का ये अगर हम चिर मतलब ले तो बहुत देर से होता है ऐसा वातज का लक्षण देख सकते हैं लेकिन जो पाठभेद है और उसके साथ साथ सुश्रुत में भी साक्षात वर्णन है वो चित्र इस शब्द से आया है चित्र के बजाय चित्र मतलब विचित्र मतलब विषम तरीके का तो कभी जल्दी पाक होगा कभी धीरे पाक होगा या कुछ जगह एक विदर्धि में आंशिक रीतिया पाक जल्दी होगा कुछ जगह पे उसका उत्थान धीरे से होगा ऐसा वैषम्य युक्त चित्र ये हमें देखने के लिए मिल सकता है और वहां पे डलनाचार्य कहते हैं सुश्रुत में कि ये वात के विषम गति के वजह से हो सकता है तो ये दोनों मत वैलिड है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे और विषम संस्थिति उसका जो लो, लोकेशन है वो विषम होता है उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती और आगे जो भिन्न भिन्न लक्षण दिए गए हैं वो हमने अभी पढ़े उसके बाद पित्त विदर्दी का वर्णन आता है रक्त ताम्रासमोह ज्वरदाहवान क्षिप्रोत्थान प्रपाकश्च यहाँ तक वर्णन है रक्त पित्तज विदर्दी का उसके बाद कफज विद्रोधि पांडु कंडुयुता कफात शीतक स्तंभ जुम्भा और फिर संकीर्ण संकीर्ण मतलब क्या तो इन जो अलग अलग व्याधियों के लक्षण अभी देखे प्रकारों के लक्षण आपने देखे उनके व्यामिश्र मतलब मिक्स्ड पिक्चर आपको संत में देखने के लिए मिलेगा अभी फॉर क्लिनिकली देखने के लिए आपको एक्जैक्टली exactly क्या क्या फैक्टर्स देखने हैं ये सारे फैक्टर्स हम कुछ हेड्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वो किस तरीके से तो दोष के अनुसार तो सार्वदेहिक लक्षण जो पूरे शरीर को व्याप, व्याप्त करे हुए है और वही सूत्र रूप से जो इंफॉर्मेशन है वो अगर हम इस तरीके से विजुलाइज करें तो हमें को देखते समय चीजें याद में आना आसान हो जाता है तो क्या है ये सब चीजें बहुत ही तर्कनिष्ठ है लॉजिकल है वातज विद्रोधी में वर्ण कैसा है शाव अरुण मतलब उगते हुए सूरज की तरह और विषम संस्कृति हमने देखा पित्तज में रक्त ताम्र असित ये इस तरीके से वर्ण देखने के लिए मिलते हैं और कफज विद्रोधी में पांडु ये वर्ण हमें देखने के लिए मिलता है उत्थान एवं पाक हमने देखा कि वातज और कफज ये वात कफ दोनों शीत वीरिय के दोष है और इसकी वजह से दोनों का पाक तुलनात्मक रीत्या याद रखिए हम यहाँ पे विद्रधि इस अधिकरण में तुलना कर रहे हैं एक दूसरों से तो जब पित्त को देखेंगे तो उसके तुलना में वात और कफ का पाक देरी से होने वाला है उत्थान देरी से होने वाला है उसमें भी कफ का पाक ये और देरी से होगा क्योंकि कफ का ये बहुत ही बलवान है तो ये पित्त जग पाक क्षिप्र है ये तो बहुत बात ऑब्वियस है उसके बाद स्थानिक रुझा यहाँ पे जो जो दोष कर्ता स्वरूप है वो खुद के लक्षण दिखाने वाला है वो कौन कौन से है तो अति तीव्र रुझा देखो यहाँ पे वातज विद्रोधी में अति तीव्र रुझा कहाँ है इसका मतलब क्या अन्य विद्रोधी में भी रुजा ये रहने ही वाली है लेकिन अति तीव्र करने वाला है ये जो अति शब्द है ये वात को डिफ्रेंशिएट करता है तीव्र रुझा ये हर विद्रोधी में हमें सामान्य तौर पे देखने के लिए मिलने वाली है ये हमें यहाँ पे इस विशेषण से समझ में आता है फिर व्यध व्यध मतलब कोई तो हमें बहुत ही नुकीली चीज से जैसे कोई एरो हो कोई तीर हो उससे बहुत ही बल बलपूर्वक नोच रहा है बेजी रुजा छेद मतलब काटने जैसी रुजा स्पंद लाइक पल्सेशन सर्पण शब्दवान कहीं अंदर कुछ तो घूम रहा है वैसा आवाज आना इस तरीके के लक्षण है पित्त में ऑब्वियसली दाह लक्षण बहुत ही प्रकर्षित देखने वाला देखने मिलने वाला है और कफ में कंडू स्तंभ और गौरव ये स्थानिक लक्षण हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं और सार्वधिक जो लक्षण देखने के लिए मिलने वाले हैं देखिए ये व्याधि ये स्थानिक दोष संशय प्रदान होने के बावजूद व्याधि में होने व्याधि होने से पहले चय कोप प्रसर ये अवस्थाएं भी ये घटी हुई हो होती है उसके साथ साथ जो व्याधि के दूष्य होते हैं उनकी भी दृष्टि ये सार्वधिक तरीके की होती है लेकिन वो व्यक्त कुछ जगह पे होते हैं और इसीलिए हमें सर्वाधिक लक्षणों में एक तो दोषों की व्याप्ति और दोषों का निश्चय करने में मदद होती है और इसीलिए उनका वर्णन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भ्रम ये देखने के लिए तृष्णा में में मोह ज्वर ये लक्षण देखने के लिए मिलते हैं और कफज विद्रोधी में उत्कलेश शीतक मतलब ठंड लगना जुर्म्बा और अरोचक इन लक्षणों का उल्लेख हमें देखने के लिए मिलता है तो ये बहुत ही सरल सब परिभाषा है इनके बारे वर्णन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है ऐसा हमें समझता नहीं तो ये अगर सब समझा है तो हम ये भी याद रखेंगे कि संकीर्ण सन्नी तो इनका मिक्सचर जो पिक्चर है वो हमें सन्नी पातज में देखने के लिए मिलने वाला है ये यहाँ पे देखना जरूरी है इसके बाद फिर एक बार वो आते हैं वो बाह्य एवं अभ्यंतर विद्यति के बारे में बताने के लिए तो उन्होंने क्या कहा है कि जो अभिलक्षण देखे हमने वातपित्त कवच के उनका सामर्थ्याच अत्र विभजित बाह्य अभ्यंतर लक्षणम अभी अभ्यंतर विद्रोधी हो बाह्य विद्रोधी हो दोनों के अः अल्टीमेटली करता ये तो ये दोषी होने वाले तो जब आपको निदान करना है तो बाह्य विद्रोधी में भी यही सब प्रकार आ सकते हैं पित्त कफज दोष जो दोष प्रकार है वो बोल रहा है स्पेशली मतलब वातज पित्तज कफज सातिक ये प्रकार बाह्य के भी हो सकते हैं सिमिलरली जे जे कि ये प्रकार अभ्यंतर के भी हो सकते हैं। तो इनके जो अधिष्ठान अलग अलग है क्या उनसे इनके तो की की सामर्थ्य से इनका विभाजन बाह्य और अभ्यंतर लक्षणों में कर लो तो इसके यहाँ पे और अलग अलग ग्रंथों में जो टीकाकार है उन्होंने थोड़े अलग अलग शेड्स बोले हैं जो इक्वली वैलिड और इम्पोर्टेंट है जो पहला शब्द शब्द का मतलब है वो है सामर्थ्य मतलब ताकत तो जैसे हमने पहले देखा कि बाह्य विद्रोधी दारुण है और अभ्यंतर विद्रोधी दारुण तरह है। तो एक कहना ऐसा है कि यही लक्षण जब अत्यंत बलवान रूप से अभ्यंतर विद्रोधी होगा वहां पर व्यक्त होंगे वो तुलनात्मक रीत्या थोड़ा कम स्वरूप में बाह्य विद्रोधि में व्यक्त होंगे ये सामर्थ्य का एक मतलब ले सकते हैं दूसरा है कि यथा योग्य एज पर द relevance, मतलब क्या कि प्राय जो वर्ण संबंध लक्षण है क्योंकि अभ्यंतर विद्युति तो गंभीर है वह आसानी से दृष्टिगम्य होने वाला नहीं है तो वहां पे जो भी वर्ण संबंध लक्षण है उसमें जो कफ की पांडुता है पित्त का पीतत्व है वात का जो भी वहां पे उन्होंने श्याव वर्ण बोला है ये प्राय हमें बाह्य विद्युति में देखने के लिए मिलने वाला है और जो अभ्य कोष्ठ संबंध लक्षण है मतलब नीचे आपने देखा कि आनाह हाँ है उत्कलेश तृष्णा है, है अरोचक है, जहाँ जिनका समावेश में प्राय हमें अवयव विशेष की कोष्ठांग की स्रोत की अधिष्ठान की दृष्टि होनी आवश्यक है वो सिर्फ बाह्य विद्री से नहीं होने वाली और इसीलिए सामर्थ्य का मतलब हम ये भी ले सकते हैं कि इन सारे दोषज प्रकारों के लक्षणों का यथा डिस्ट्रीब्यूशन करके आप रुग्ण में समझ के ले लो और ये दोनों बातें हम यहाँ पे गौर कर सकते हैं कि एक तो देख सकते हैं और जो ज्यादा रिलेवेंट लक्षण है उनको हम यहाँ पे देख सकते हैं और ये छोड़ के अल्टीमेटली जो पाक संबंध लक्षण है और जो अलग अलग तरह के कंप्लेन है रुझा है वो तो इस्पेक्टिव ऑफ बाह्य अभ्यंतर कॉमन रहने वाले हैं क्योंकि उनके पीछे जो करता है वो जो दोष है तो ये सारा दोषों जो प्रकार और उनका बाह्य और अभ्यंतर इन दोनों प्रकारों में रिफ्लेक्शन कैसे आता है इसके बारे में हुआ इसके बाद जो अगला प्रकार है जो पांचवा प्रकार है वो है अश्रुज विदृद्धि यानी रक्तज विदृद्धि उसका सूत्र है क्रमांक 10 कृष्णस्फोटावृतः शावः तीव्रदाहरुजज्वरः पित्तलिंगो पित्तलिंगः अश्रुज बाह्यः स्त्रीणाम एव तथा अंतः मतलब क्या तो बाह्य असुरुज जो बाह्य और अभ्यंतर इन दोनों प्रकारों में इस रक्तज विदर्धि का हमें प्रेजेंटेशन देखने के लिए मिलता है वो किस प्रकार का है कृष्णस्फोटावृतः देखो मैंने जैसे पहले कहा था कि दुष्य इसके पीछे भी कोई दोषी होने वाला है लेकिन हिस्सा होने के बावजूद रक्तज प्रकार होने की वजह से हमें एक अलग लक्षण यहां पे देखने के लिए मिलता है वो है कृष्णवर्ण के स्फोटों की उत्पत्ति होना और हम आज के ही व्याख्यान में आगे जाके देखने वाले हैं कि इसी देखे का वर्णन ये हमें रक्तज प्रकार में देखने के लिए मिलता है वृद्धि में और अन्य व्याधियों में भी जहाँ पे रक्त और त्वक रहती है वहां पे रक्तज प्रकार में यह लक्षण बार बार आता है और इस तरीके के जो विशिष्ट लक्षण है उनको देख के दिमाग में रजिस्टर करना ये बहुत जरूरी है क्लिनिकली जब हमें डिफरेंशियल करना होता है तो हमें इस लक्षणों के बारे में इस लक्षणों को देखना यह बहुत ही उपयुक्त हो सकता है तो काले रंग के विस्फोट उत्पन्न होना ये बहुत ही स्पेसिफिक अत्यंत बड़े पैमाने पर पे रक्त दुष्टि का निर्देश करते हैं और इनका जिक्र बार बार आने की वजह से वनिष्ट वन कोरिलेशन भी इनका बहुत अच्छी तरह से एस्टेब्लिश हो सकता है उसके साथ साथ जो वर्ण विशेष है वो है श्यावह और तीव्र तरीके का दाह रुजा और ज्वर ये हमें रक्त ज में देखने के लिए मिलने वाले हैं उसके साथ साथ जो अनुक्त लक्षण है वो कौन से है जाहिर सी बात है कि रक्त का जो आश्रय है वो पित्त है और इसीलिए जो पित्त के 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 सारे लक्षण हमें देखने देखने लिए लिए मिले वो तो देखने के लिए मिलने ही वाले हैं लेकिन जो पहली पंक्ति है वो रक्तज विदर्दी का विशेष है उसके बाद जैसे हमने प्रकारों में भेद रखे अधिष्ठान बाह्य अभ्यंतर वैसे ही रक्तज विदी के भी बारे में है लेकिन उसमें कुछ विशेष बात है वो क्या है तो बाह्य अशूज विद्रोधी है वो तो हमें कहीं भी देखने के लिए मिल सकती है लेकिन अभ्यंतर अशुज विद्री है 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 वो उन्होंने पे पे कहा स्त्रीणाम एव तथा तो व्याधि स्वभाव ऐसा है कि अभ्यंतर रक्तज विद्रोधि यह हमें सिर्फ स्त्रियों में ही देखने के लिए मिलता है और इसके बारे में ज्यादा वर्णन बागवण में देखने के लिए मिलता नहीं है लेकिन अगर हम यहाँ पे सुश्रुत का संदर्भ लेके देखें तो इसके बारे में स्पष्टता हमें जल्दी आ जाती है वो क्या है तो बहुत ही संक्षेप में हम देखेंगे कि सुश्रुत का में जहाँ पे विद्रोधि का वर्णन है वहां पे जो ये अभ्यंतर रक्तज्रोधी विद्र, का वर्णन आता है तो वहां पे वो विशिष्ट हेतु कहते हैं वो कौन से है अपप्रजाता नाम स्त्री नाम तो उन स्त्रियों में ये विद्रोधी हो सकता है जो अप्रजाता अप है मतलब क्या टीकाकर कहते हैं कि पतित गर्भा है मतलब जिन में एबोर्शन या मिस कैरियज हुए हैं उनमें या प्रजाता वो शास्त्रीय जो उल्लेख है उसी तरीके से उनका प्रसूत हुआ है डिलीवरी हुई है लेकिन उन्होंने उन स्त्रियों ने अहित कारक हेतुओं का सेवन किया है और ये ध्यान रखिए यहाँ पे कि टीकाकारों ने गयादास और डलन दोनों ने यहाँ पे बहुत ही विशिष्ट हेतु को उल्लेख किया है शीत और रुक्ष और उन्होंने वहां पे कहा है कि इन दो हेतुओं से क्या होता है तो जो जनरली सूतिका में जो दुष्ट रक्त क्लेद इनकी विस्तृति होनी चाहिए हमें आपको पता होगा कि सूतीका में पंद्रह बीस दिन तक योनि मार्ग से गर्भाशय में जो भी संचित क्लेद है रक्त है उनका स्राव होते रहता है और इसीलिए सूतीका परिचर्या ये बहुत जरूरी हो जाती है लेकिन सूदिका परिचर्या परिचर्या में जो बात कही है उसके एग्जैक्टली exactly अपोजिट मतलब शीत गुण और रुक्ष गुण का अगर आहार सेवन किया गया तो वो दुष्ट रक्त ये कोष्ठ में ही गर्भाशय में ही रह जाता है है उसका वहां पे निरोध होता है, और यही हम ऊपर भी लगा सकते हैं कि जो ढंग से होते नहीं है उनमें पूरे तरीके से दुष्ट रक्त और क्लेद ये बाहर निकलता नहीं है वो शरीर में ही रह जाता है और उसका उपयोग शरीर को होता नहीं है और इसीलिए वो दुष्ट हो जाता है शल्यभूत हो जाता है और इसी तरीके से स्त्रियों में हमें रक्तज अभ्यंतर विद्रधि देखने के लिए मिलता है और उसकी जगह भी उन्होंने कही है कि कुक्षी में होता है ऐसा स्पष्ट तरीके से सुश्रुत ने कहा है और सुश्रुत ने इस व्याधि प्रकार विशेष को मक्कल बोला है तो सुश्रुत आचार्य ने कहा है कि ये जो सारी घटना है रक्तज विद्रोधि की वो और कुछ नहीं तो मक्कल नाम का स्त्री विशेष व्याधि है और अगर आप बागभट देखे तो बागभट ने इस व्याधि का अधिकरण बदल दिया है और उसका उसने प्लेसमेंट किया है वो शरीर स्थान के अध्याय क्रमांक दोन व्यापत वहाँ पे किया है और उसका वर्णन वहां पे हमें देखने संदर्भ वैसे शिश्रुत में, में तो निधन स्थान नौवा अध्याय और उसने वहां पे उसको मक्कल बोला है इसलिए मक्कल का वर्णन वागभट ने शहरी स्थान के दूसरे अध्याय में किया है तो ये सारा रक्तज अभ्यंतर विद्री के बारे में वर्णन हो गया उसके बाद जो छठा प्रकार है वो है सूत्र क्षत विद्री क्रमांक्र श्राद अभिघाते क्षते व्यतोष्मा वायु स सरक्तम पित्तम ईरयन पिताश्रुग लक्षण कुरियाद विद्रधि भूर्यपद्रवम तो यहाँ पे जो छठा प्रकार है उसके लिए विशिष्ट हेतु है और विशिष्ट संप्राप्ति भी है क्या है वो तो हेतु इसमें हम उसका दो प्रकार में विभाजन कर सकते हैं एक तो है शस्त्राध्यय ही अभिघाते न तो शस्त्र एक्सेट्रा चीजों से बाह्य हेतुओं से अभिघात होने के वजह से ये एक हेतु हो गया या शस्त्र क्षते अपि अभी देखो यहाँ पे संस्कृत का थोड़ा सा भी ज्ञान हो तो ये बात समझ में आ जाती है कि क्षते ये सप्तमी विभक्ति है तो शस्त्राध्याय ही क्षते सप्तमी का अर्थ क्या है यहाँ पे क्षत होने क्षत होने पर मतलब यहाँ पे क्षत होकर विद्रोधी होता है ऐसा नहीं हुआ है शस्त्र इत्यादि चीजों से अगर क्षत हो गया और फिर का सेवन किया तो उस व्यक्ति में हमें आगे का देखने के लिए मिलेगा क्योंकि ऊपर अभिघाते न ये विभक्ति तृतीया है वो साक्षात हेतु है साक्षात कारण है और ये डिफ्रेंसिएशन हमें डल्लर ने बहुत बढ़िया ढंग से कहा है क्या कहा है

रक्त बाहर निकलता नहीं है जो कि दुष्ट हुआ है आघात से और वो स्थानिक संचय करके क्या करता है सिरा मार्ग आवरण वातको पहा तो वहां पे स्थानिक सिराओं में आवरण करके वातका मार्ग जन्य प्रकोप करता है और इसीलिए वहां पे संचय होना ये बहुत आसान है संचय तो शुरू हो गया है क्योंकि दुष्ट रक्त वहां पे स्थान हो गया है और इस तरीके में आपको कुछ अलग किए बिना भी विद्रधि व्याधि देखने के लिए मिल सकता है लेकिन जब क्षते क्षत होने के बाद क्या होगा इट्स शार्प ट्रामा क्षत मतलब क्या वहां पे छिन्न भिन्न इस तरीके के जो आघात विशेष है वर्ण विशेष है वो होने की वजह से मतलब ब्लीडिंग होता है और ब्लीडिंग होने की वजह से क्या होने वाला है अति रक्त अतिरक्त श्रावणिमित न मतलब धातु जन्य मात्रों को होने वाला है अभी विद्री जैसा व्याधि जहां पे दोषों का संघात होना अपेक्षित है वो तो सिर्फ धातु धातुजन वाप्रकोप से नहीं होने वाला है तो यहाँ पे जब धातु क्षय रक्त क्षय होता है तो स्थानिक प्रकोप होता है और वहां पे खवाई उत्पन्न होता है और इस कंडीशन में अगर अपथ्य सेवन किया गया अपथ्य मतलब क्या जो विशेष हेतुओं का निर्देश इस व्याधि के शुरुआत में आया है उनका सेवन ये इमीडिएटली किया गया तो उनसे जो भी दोष प्रकोप होने वाला है उनको बना बनाया रेडीमेड स्थान है यहाँ पे जो कि वो आघात का स्थान है और इसीलिए वो बहुत ही कम समय में बहुत ही आसानी से जल्दी वहां पे आश्रय लेंगे और आगे जाके व्याधि करेंगे तो ये बहुत ही छोटी संस्कृत की रचना है लेकिन उसमें इतना सारा संप्राप्ति का जो वैविध्य है वो वहां पे कहा गया है तो व्यवहार में भी आपको ये बिल्कुल देखने के लिए मिलता है कि कैसा ट्रॉमा है वैसा उसका आगे प्रेजेंटेशन होता है वहां पे संप्राप्ति क्या कही वहां पे दोनों की संप्राप्ति कॉमन है उन्होंने कहा है कि क्षतोष्मा मतलब क्या तो हमें बिल्कुल ऑब्जर्व किया है कभी कोई आघात होता है ट्रॉमा होता है तो इमीजिएटली ट्रॉमा की वजह से वहां पे संगठन होता है प्रेशर क्रिएट होता है उसके वजह से जो भी व्यक्त तेज है उसको क्षतोष्मा कहा है तो क्षतोष्मा मतलब दिच इज इनिशिएटेड बाय द हीट बाय द इंजुरी और बाय द ट्रॉमा तो उसके वजह से जो क्षतोषमा है उसको वायु विक्षिप्त ये विक्षिप्त मतलब इधर उधर फेंक देता है तो वायु ने क्या किया है क्षतोषमा को उसके स्थान से इधर उधर फेंक दिया है तो उससे क्या होता है रक्त के साथ पित्त का इण रक्त सरक्तम पित्तम ईरयन वो जो क्षतोषमा है वो पित्त को रक्त के साथ साथ इण करता है मतलब क्या शब्दशा मतलब प्रकोप है मतलब खुद के जगह से उसको हिलाता है उसको च्युत करता है तो पित्त यहाँ पे अभी स्वतंत्र हेतुओं से प्रकोपित नहीं हुआ है उसको खुद के मार्ग से बाहर किया गया है क्षतोषमा ने जिसका क्षेपण वायु ने किया है तो ये संप्रप्ति का सीक्वेंस आप ध्यान से देखिएगा अभी हुई क्या इसके वजह से तो रक्त और पित्त इनका परत प्रकोप हुआ वायु और क्षतोषमा ने जो स्वतंत्र है उनसे रक्त और पित्त का परतंत्र प्रकोप हुआ और उसके वजह से अभी क्या देखने के लिए मिलने वाला है तो रक्त और पित्त इन दोनों विद्रोहियों में जो लक्षण है वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं तो इस तरीके से क्षत्रिय विद्रोही का प्रेजेंटेशन होता है लक्षण दोनों विद्रोहियों के मिला के देखने के लिए मिलते हैं लेकिन इनकी एक जो अलग बात है इनका आगंतु हेतु बल ज्यादा होने की वजह से भूरी उपद्रवम क्षणाम कुर्याद विद्रोधी भूरी उपद्रव भूरी मतलब बहुत सारे बहुत सारे उपद्रव इस प्रकार के विद्रोधी में देखने के लिए मिलते हैं तो इस प्रकार यहां पे पे छह का का उल्लेख उल्लेख वर्णन पूरा हुआ और चूंकि उपद्रव आया है तो वागभट इमीजिएटली इसके आगे विद्रोधी के उपद्रवों का वर्णन करते हैं तेषु उपद्रव भेदश स्मृत अधिष्ठान भेदता तो जो भी उपद्रव में भी भेद आते हैं विद्रोधी में वो किसके बलबूते हैं वो अधिष्ठान के बलबूते हैं किस तरीके से तो आगे का जो पूरा सूत्र है वो उसपे उन्होंने कहा गया है कि किस अधिष्ठान में विदर्दी का उपद्रव हमें किस लक्षण के द्वारा व्यक्त होता है तो एक बार हम पूरा सूत्र पढ़ेंगे और फिर उसका हम स्टेप बाय स्टेप मतलब देखेंगे मैं अः पर्पजफुली जहाँ पे सूत्र में उसका आशय ये पूरा होता है वहां पे पॉज लूंगा और फिर आगे का सूत्र पढ़ूंगा तो आपको सूत्र पढ़ते पढ़ते भी अधिष्ठान और उसके एक या अनेक उपद्रव कौन से हैं ये बात समझ में आ जाएगी नाभ्याम हिदमा भवेद वस्तु मूत्रम कृछ्रेण पूति च्वासो यकृति रोधस्तु प्लिन्नी उच्छ्वास त्रुट पुनः गल ग्रहनी सर्वांग प्रग्रहो हृदय प्रमोह तमक कासो हृदय घट्टनम व्यथा कुक्षी पार्श्वातरांसारति ही आटोप कुक्षौ आटोपजन्म हो ग्रहा वंशन हो, हो कटिपृष्ठ हो, पार्श्वोच हो व्यथा पाय व्यथा पाय पवन से निरोधनम तो आप देखोगे देखेंगे कि ये सारे जो हमने पहले देखे थे विद्रदी के अभ्यंतर मार्ग में स्थित अधिष्ठान है और अगर वहां तक दुष्टि पहुंच गई तो ये अलग अलग उपद्रव हो सकते हैं तो कौन कौन से है तो मैंने आपके सामने जो रखा है वो बहुत स्पष्ट है नाभिका बस्ती का मतलब सांस बाहर छोड़ना तो सांस बाहर छोड़ते समय हमें अवरोध की अनुभूति होना प्लीहा के उपद्रव के स्वरूप दिखने वाला है क्लोम में तृष्णा और गलग्रह और हृदय में सर्वांग प्रग्रह प्रमोह तमक कास और हृदय के न समीप घटन और व्यथा इस प्रकार की रुझा देखने के लिए मिलना फिर कुक्षी में कुक्षी और पार्श्व इनके बीच कुक्षी मतलब प्रायः जो हमारे पेट का भाग है उधर है उसके जो लैटरल एस्पेक्ट है उसको कुक्षी कहते हैं और पार्श्व मतलब हमारे जो भाग है जो चेस्ट रीजन है उसका जो लैटरल एस्पेक्ट है उसको पार्श्व कहते हैं तो कुक्षी और पार्श्व ये जो लाटरा एस्पेक्ट है उनके अंतर इन दोनों के बीच वाला जो भाग है वहां पे तथा अंश अंश इन आउस के में अर्थी मतलब पीड़ा या उत्पन्न होना और उसके साथ साथ आटोप आटोप का म, मतलब वहां पे उन्होंने संक्षोभ ऐसा भी दिया है और उसके साथ साथ जो शब्दोत्पत्ति होती है ऐसा भी मतलब हम यहाँ पे ले सकते हैं वंशण में शक्ति ग्रह शक्ति मतलब पूरे पैरों के ग्रह उत्पन्न होना क्योंकि वंशन ये हमारे पैरों के मूलत स्थित है तो वहां पे हमें संक्रमण करने या असंभव जैसा हो जाता है वृक्ष स्थित अगर विद्रोधी का विदर्दी हो तो उपद्रव में हमें क्या देखने के लिए मिलने वाला है कटिपृष्ठ ग्रह देखो ये बहुत ही लक्षण बहुत ही कॉमन है लेकिन वृक्ष वृक्ष स्थित दोष संघात से उपद्रव होना विद्रदी में ये इसका हेतु हो सकता है ये हमारे इन वाइल्ड ड्रीम में नहीं आता है उसके साथ साथ पार्श्व व्यथा जो पार्श्व दोनों वहां पे व्यथा होने की संभावना ये भी वुरुक्का में, वुरुक्का से संबंधित उपद्रव रह सकती है और आखिरी पायु मतलब गुद वहां पे पवन से मतलब प्राय निरोधन होना ये सारे लक्षण यहाँ पे देखने मिलते हैं अभी इसमें हम थोड़ा तर्क लगाने की कोशिश करेंगे देखो अब सारे लक्षण देखें मैंने यहाँ पे अधिस्ट अधिष्ठानों के नाम निकाल दिए हैं और सिर्फ लक्षणों का लिस्टिंग किया है तो वहां पे कुछ गिने चुने जो लाल रंग के जो यहाँ पे शब्द मैंने मार्क किए हैं अगर वो छोड़ दिए तो प्राय बाकी सारे हमें क्या दिखाते हैं तो मार्गावरो जन्य वाद प्रकोप का दर्शन करते हैं और ये हम बिल्कुल कह सकते हैं कि इसका मतलब प्रायः जब भी विद्री के उपद्रव स्वरूप हमें कौष्ठ में भिन्न भिन्न अधिष्ठानों में लक्षण देखने के लिए मिलने वाले हैं उनके पीछे एक जो सामान्य घटक है वो है मार्गावर और प्रकोप और ये बात बिल्कुल याद रखिए क्योंकि इस वजह से जो भी लक्षण देखने के लिए आप देख रहे हैं सामने वो बहुत ही कॉमनली देखने वाले लक्षण है बहुत कॉमन देखने के लिए मिलते हैं लेकिन उसके पीछे विद्रोधी जैसा अत्यंत आशुपाकी ऐसा व्याधि है ये याद रखना है अगर हमने हेतुओं का अभ्यास नहीं किया हमने इनके अलग-अलग लक्षणों का अध्ययन करके रुग्णों में देखने की कोशिश नहीं की तो हम निदान गलत कर सकते हैं और एक हद पेशेंट में अगर ऐसा गलती हो गई और जहां पे वातानुलोमन करने के लिए हमने उसको अत्यंत उष्ण चिकित्सा देने की हागर कोशिश की तो व्याधि या अत्यंत दारुणतर हो सकता है उसका प्रोग्नोसिस कैन बी अ वर्स्ट काइंड ऑफ थिंग और इसीलिए जस्ट इनको जो लिस्टिंग दिया है वो बार-बार आंखों के सामने लाओ और ये याद रखो कि विद्रधि के उपद्रव से भी प्रकोप प्रे लक्षण देखने के लिए मिल सकते हैं और उसके साथ साथ ऑब्वियसली जो स्थान है उसपे भी जैसे मूत्र पुती दोनों लक्षण आते हैं बस्ती में या क्लोम ये जो उदग व स्रोत का मूल स्थान है वहां पे है वहां पे तृष्णा देखने के लिए मिलने वाली है हृदय यहाँ पे तमक देखने के लिए मिलने वाला है ये तो ये स्थान विशेष है उसके बाद इसमें जो अलग अलग लक्षण दिए है उसमें बहुत सारे तार्किक हैं, लेकिन इसमें से कुछ गिने चुने हैं उनका थोड़ा सा कार्यक्रम भाव लगाने की कोशिश करेंगे तो जो पहले यकृत सॉरी नाभि यकृत और प्लिया इन तो तीनों के कर्मशा लक्षण बोले है उपद्रव स्वरूप वो क्या है हिदमा श्वास और रोध और आप देखोगे तो ये तीनों लक्षण जो हम व्याधि में देखते हैं भूत है और यकृत प्लीहा ये भी आमाशय का ही एक अंग है और नाभि यह आमाशय का निचला हिस्सा है जहाँ पे आमाशय खत्म होता है और हम देखते हैं क्लासिकल यहाँ पे अगर अवरोध हो गया, का मूल स्थान है तो तृष्णा गल ग्रह ये लक्षण देखने के लिए मिलते हैं हृदय ये टीका करने एक जगह बहुत ही बढ़िया ढंग से कहा है कि सर्व सीराओं का अधिष्ठान है और सिराओं के आधार से जो शरीर में भिन्न भिन्न क्रिया है जो एग्जीक्यूट होती है और इसीलिए सर्वांग प्रग्रह जो पूरे शरीर में जखड़न होना ये लक्षण सिवियर लक्षण हमें हृदय में, में विद्रधि के उपद्रव स्वरूप देखने के लिए मिलता है उसके साथ साथ प्रमोह तमक ये संज्ञा के संबंध जो कि विकृत लक्षण है वो क्यों देखने के लिए मिलेंगे क्योंकि हृदय ये सबसे प्रधान प्राण का आयतन है मर्म का एक बहुत अः त्रिमर्म में से सबसे प्रधान मर्म है यह हमें यहाँ पे याद रखना है और इसीलिए बहुत ही जल्दी प्रमोह तमक जैसे लक्षण उत्पन्न होना ये बहुत ही लॉजिकल है तो ये थोड़ा सा तर्कनिष्ठ वर्णन यहाँ पे हमें देखने की कोशिश की उसके आगे जाके जो विदृति के अवस्थाएं हैं आम पक्व विदग्ध उन्होंने उसके बारे में क्या कहा है तो आम पक्व विदग्धत्व तेषा शोफवत तो उन्होंने वहां पे अतिदेश तंत्र से कहा है कि जो भी शोफ के बारे में आम परिपक्व विदग्ध इन अलग अलग अवस्थाओं का वर्णन किया है वो वैसे के वैसे आप यहाँ पे दे लगा के लीजिएगा तो ये वर्णन कहाँ पे आता है ये वर्णन इसी ग्रंथ में सूत्र स्थान में 29 क्रमांक के अध्याय में शस्त्र कर्म विधि देखने के लिए मिलता है वहां पे मैंने आपके सामने सूत्र रखे हैं लेकिन मैं सूत्रों के पठन में यहाँ पे जाऊंगा नहीं मैं इसका थोड़ा सा सुलभ प्रेजेंटेशन करने के लिए टेबल फॉर्म आपके सामने रखूंगा ये देखना जरूरी है दोस्तों याद रखो क्योंकि हमें चिकित्सा में आप देखोगे कि विद्रोधी की चिकित्सा ये दोष और अवस्था दोनों को लेके साथ में चलती है वो पहले दोष प्रकार बोलते हैं फिर उसमें अवस्था बोलते हैं और अवस्था चिकित्सा वेरी होती है तो इट इज वेरी श्योर वेरी इंपॉर्टेंट टू एंश्योर द प्रॉपर अवस्था इन विद्रोधी वो कौन कौन से है तो प्राय आमा अवस्था में या और अगर आपने प्रैक्टिकल विद्रोह देखी हो तो ये आप आसानी से विजुलाइज कर सकते हैं जो वर्ण या स्वरूप होता है आम में, वो कैसा होता है सवर्ण उसके साथ ही होता है, है।, शोफ भी अल्प ही होता है, होता है और सिर होता है आप उसको पीड़न की कोशिश करें तो उसमें हमें चेष्टा हलचल देखने के लिए नहीं मिलती है वही जब पश्चमान होता है तो उसमें वैवर्ण आने लगता है मुख्यत्व वहां पे राग मतलब क्या आरक्त वर्ण देखने के लिए मिलता है और बस्ती 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 सबको पता है बस्ती के अगर आप पीड़न करें मतलब क्या तो मूत्राशय से पानी से भरी कोई थैली हो उस पे अगर हम पीडन करें तो स्पर्श कैसे लगेगा कि मैं, मानो अंतर कुछ तो द्रवीभूत चीज भरी हुई है वैसे वहां पे लक्षण या संवेदना ये प्रस्तुत होती है और उसके बाद जब पक होते हैं तब क्या देखने के लिए मिलता है हमने समझ देखा है कि वहाँ पे वर्ण एकदम से पांडु हो जाता है उसमें वली उत्पन्न होते हैं और जो पहले एक बॉर्डर होंगे जो पेरीफेरी होंगी वो नीचे दब जाएगी और मध्य उन्नति जहाँ पे पूया इकट्ठा होता है वो भाग ऊपर उभर आता है उड़ जाता है तो पेरीफेरी में वो दब जाएगा जहाँ पे दोषों का चय कम हुआ है और जो भी पक्व स्वरूप दोष होए जो पूजा हो गया है वो बीच में इकट्ठा हो जाएगा वहां पे उच्छेद तो uh, में उषमा रुजा ये कम होती है सबसे ज्यादा तकलीफ रुग्णों को पश्चमान अवस्था में होती है अरति सर्वाधिक लक्षण ये सारे हमें पश्चमान अवस्था में देखने के लिए मिलते हैं और इसीलिए आप चिकित्सा में भी जब देखोगे तो पश्चमान अवस्था में उसको बहुत जल्दी चिकित्सा देने के लिए कहा है उसको बहुत जल्दी पकवा करने के लिए कहा है पश्चमान अवस्था में रुग्ण ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए उसमें कौन कौन से लक्षण देखने के लिए मिलते हैं स्फुटती इव जैसे कि कुछ तो फूट रहा है निस्तोद संरंभ दाह उषा स्पर्शना सह इस अवस्था में रुग्ण किसी भी बाकी आदमी को वैद्य को हाथ भी लगाने देता नहीं उस जगह पे यह अनुभव सबका है और ये बाकी सारे लक्षण ये क्लासिकल अवस्था में देखने के लिए मिलते हैं लेकिन द मोमेंट इट टू इटर्स क्या हो जाता है अल्प वेगता सारे लक्षणों का वेग कम 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 हो जाता है कंडू उद्भव हो जाता है स्तंभ थोड़ा सा उत्पन्न होता है गौरव उत्पन्न होता है और उसके साथ साथ स्पृष्टे पूय से समुचारहा हमें वहां पे स्पर्श करने के बाद पूय जैसी संवेदना देखने के लिए मिलते हैं ये बहुत ही प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन है और जो भी बाकी लक्षण उत्पन्न होंगे वो बहुत ही कम 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 सिविलिटी के होंगे तो पश्चमान अवस्था इज द मोर्ड ट्रबलिंग अवस्था इन तीनों में और पक्वा अवस्था में तो सारे लक्षण कम हो जाते हैं और इसीलिए अवस्था में हमें सर्वाधिक लक्षणों का उल्लेख विशेष रूप से बहुत देखने के लिए मिलता है वो कौन कौन से है अंगमर्द विजृंभिका अरुचि तृष्णा ज्वर निद्रा और आप देखते हैं कि बहुत बार इस पश्चमान अवस्था में विद्रोधी में पेशेंट बोलते हैं कि मतलब मुझे फ्यवरिश लग रहा है मुझे मेरा पूरा बदन दर्द हो रहा है और वहां पे हमें ज्वर की अंग मर्दे की चिकित्सा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है वहां पे हम सिर्फ विदर्दी को अगर पकव कर पाए तो अपने आप ये लक्षण कम हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे ये लक्षण स्वरूप है व्याधि स्वरूप नहीं है ये परतंत्र है स्वतंत्र नहीं है ये बात ध्यान में रखिए तो इस तरीके से हम विदर्दी की अवस्था निदान करना हम हम हमारे द्वारा ये बहुत जरूरी है ये सब देखने के बाद जो आता है वो है साध्यत्व सॉरी श्राव का वर्णन रह गया तो पक्व विदर्धि में से कौन कौन से श्राव आ सकते हैं उनका वर्णन वहां उन्होंने किया है उसमें उन्होंने जो कहा है वो वर्णन सूत्र क्रमांक सत्रह में है नाभे ऊर्ध्व मुखात पक्वाहा प्रसरवंती अधरे गुदात गुदात नाभिजो ये मुख्यत्व जो हमने अः के अधिष्ठान देखे थे कोष्ठ में उनके सापेक्ष है नाभे उर्ध्व मुखात मतलब क्या जो पक्व विद्रधि है जो नाभि के ऊपरी कोष्ठांगों में स्थित है मतलब कौन-कौन से होंगी यकृत वाली हो यकृत प्लीहा रुधय इन सारे अधिष्ठावनों में जो विद्रधि है उनका अगर पाक हो गया तो उनसे जो स्राव आने वाला है वो कहां से आएगा प्रायः तो यथा नजदीक के मार्ग से जो कि मुख है तो नाभि के ऊपर स्थित विद्रोधी पक्व होने पर स्राव मुख से होता है उसी तरह से नाभि के नीचे स्थित विद्रोह पक्व होने पर स्राव गुद से होता है और साक्षात नाभि ये भी विद्रोह का एक अधिष्ठान है और अगर वहां पे विद्रोह पक्व हो गई तो स्राव दोनों मार्ग से हो सकता है मतलब मुख भी या गुद भी ये एक विशिष्ट मार्ग का वर्णन उन्होंने यहाँ पे किया है उसके बाद उन्होंने इस श्राव के बारे में थोड़ा ज्यादा वर्णन किया है दोषम क्लेदाच विद्रोध यथास्व रणवत मतलब ये जो भी श्राव होने वाले हैं इन श्रावों के द्वारा भी आप दोषों का अनुमान लगा सकते हैं जैसे आपको पहले पहले आपके लिए हमने लक्षणों का वर्णन किया है जिसके द्वारा आप दोषों का प्रकार निश्चय कर सकते हैं उस तरीके से ही क्लेद का मतलब यहाँ पे श्राव है डिस्चार्ज तो विद्रोह में दोषों का अनुमान डिस्चार्ज से भी लगाया जा सकता है उसका वर्णन कहाँ पे देखेंगे कहा से देखेंगे व्रणवत तो उत्तर स्थान जो अध्याय है वर्ण प्रतिशत वहां पे उन्होंने दोषों के अकॉर्डिंगली uh, तो अकॉर्डिंगलीवों का वर्णन किया है कैसे में मस्तु पुलाक पुला का मतलब एक धान्य है मानो चावल का पानी जैसा पुला अम्बू तो मांस अंबू मांसोद जैसे पुला का अंबू चावल के पानी जैसे तनु बहुत ही लिक्विडिश अल्प प्रमाण में कम ऐसा श्राव होना पित्तज में क्या मूत्र मतलब पलाश उसके भस्म में अगर पानी मिक्स करे तो कैसे दिखेगा उस तरीके से तैल जैसे मिलेगा और बहु प्रमाण में बहु और अगेन कंसिस्टेंसी में भी थिक डेंस इस तरीके से वर्ण में श्वेत और घन बहुत ही गाढ़ा ऐसा होने वाला है वो होने वाला है कफज विद्रोधी का स्राव तो ये अलग अलग विदियों के श्राव उन्होंने अन्य संदर्भ देकर यहाँ पे स्पष्ट किए हैं तो ये हो गए और फिर आता है साध्य असाध्यत्व। तो यहां पे तत्र विवर्जह। यहाँ से आगे सूत्र हम देखेंगे तत्र विवर्ज सन्नी पातेज पक्विबस्ती स्थो एववा बक्व अंत सर्वक् क्षीण से उपद्रवान्विता तो यहाँ पे चार अवस्थाएं बोली है जो कि असाध्य कही है वर्ज करो मतलब वहां पे चिकित्सा करने की कोशिश भी मत करो क्योंकि वो चिकित्सा के परे है सानिपातिक ये पहला एस्पेक्ट है दूसरा हृदय ना भी ये प्रधान जो तीन मर्म है यहाँ पे अगर स्थित विद्रोधी हो और वो भिन्न हो जाए भिन्न मतलब क्या पक्व होके उसमें से श्राव आने लगे किस तरीके से अंतरिया वही तो त्वग में से अगर भिन्न हो तो भी या जैसे पहले देखा मुख कुद यहाँ से भी अगर उसका सराव होने लगे तो भी तो भी ये विशिष्ट अवस्था असाध्य है उसके साथ जो अभ्यंतर विद्रधि है वो अगर पक्व होने के बाद मुख से उसका सराव शुरू हो गया तो उसका भी असाध्य विवर्ज इसके अंडर कैटेगराइजेशन किया गया है और क्षीण से मतलब क्या क्षीण से रुग्ण का वर्णन है जो रुग्ण का बल बहुत कम है जो तो रुग्ण बहुत क्षीण है उस विद्रधि के रुग्ण में अगर हमें उपद्रव देखने के लिए मिल जाए तो वो अवस्था भी असाध्य कही गई है तो ये अलग अलग अवस्थाएं हमारे सामने रखी है अ, चीज़ क्या है की चीज क्या कि हम वैद्य वर्ग अभी तक विद्रधि नाम के निदान का इतने रुग्ण नहीं देख पा रहे हैं उनमें कारण बहुत हो सकते हैं अभी भी समाज की यह धारणा है कि यह प्रायः सर्जिकल ओपिनियन की चीजें हैं या हमारी वैद्य वर्ग की भी धारणा है अगर इस तरीके के रुग्ण आ जाए तो हम उसको पहले सर्जन का देखें कर्मता, कर्मता, तो तो जो, जो वर्णन है वो हमें बहुत ज्यादा विजुअलाइज करना पड़ता है इमेजिन करना पड़ता है लेकिन अगर हम हमारा निदान और चिकित्सा इनका अध्ययन पक्का कर ले और अगर हमारे पास ऐसे रुग्ण जब भी आए तो हम उसकी अवस्था निश्चित करके चिकित्सा करने की कोशिश तो करें ग्रंथ में जो भी हमें अवकाश दिया चिकित्सा करने का उसका उपयोग करें या अगर ऐसा कई रुग्ण आपको सुनने के लिए मिले फिर वो कहीं पे हो आईसीयू में क्यों ना हो किसी मॉडर्न अस्पताल में क्यों ना हो जाके उसको देखे तो ही धीरे धीरे हमें अवस्था समझ में आने लगेगी हम अवस्था को ग्रंथ से कोरिलेट करने से कर सकेंगे और फिर आगे जाके चिकित्सा ये हमारे दिमाग में आने लगेगी लेकिन उसकी पहली स्टेप क्या है तो हम उनका वर्णन ग्रंथों में से बहुत अच्छा पढ़ लें उसका विजुलाइज करने में ले सक्षम हो जाए तो इसीलिए ये सारे जो अवस्थाएं हमारे सामने ये थोड़ी हमें अभी इमेजिन करनी पड़ती है विजुलाइज करनी पड़ती है लेकिन इट इज ऑफ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स तो एक्चुअली डायग्नोसिंग और ट्रीटिंग सच काइंड ऑफ पेशेंट उसके बाद जो आता है वो विशिष्ट विद्रति का प्रकार है वो स्तन विद्री अभी इसका प्रकार मतलब छह प्रकारों में उसका उन्होंने जिक्र नहीं किया है लेकिन उसके अधिष्ठान और अधिष्ठान अलग होने की वजह से विशिष्ट चिकित्सा के वजह से उसका वहाँ पे उन्होंने है। क्या है वह स्तन विद्रोधि एवं प्राप्ति गर्भिणीना संभव घन स्तने सदुग्धे अदुग्धे वाहद्रोधि लक्षण नाड़ी नाम सूक्ष्म वक्तृत्वाद कन्या नाम न स तो नाम का जो अवयव है वहां पे होने वाला विशिष्ट तो भी अवस्था में सी अवस्था गर्भिणी या सूतिका इन्हीं तो अवस्थाओं में क्यों तो उन्होंने पहली पंक्ति में बोला है कि स्तन सिरा इन अवस्थाओं में विवृत होती है आपको अगर याद होगा तो जिस समय धारणा होती है उस समय जो रस है स्त्री शरीर में स्थित वो स्तन्य का पोषण करना शुरू कर देता है तो स्तन्य का पोषण ये गर्भिणी अवस्था से ही शुरू होता है और इस प्रक्रिया में स्तनगत तो सिरा है उनके द्वारा जो कर्म होता है वो बढ़ने की वजह से उनका विवृत होना जिसको हम एक्सपांड होना कह सकते हैं बहुत ऑब्वियस है लेकिन उससे होता कैसे है वो बढ़ने की वजह से वहां पे दोषों का पोषना भी आसान हो जाता है दोष ज्यादा पैमाने पे वहां पे संचित होने की संभावना भी हो जाती है तो अगर सूतिका और गर्भिणी ने जो विद्री में कही गए हेतु है उनका अगर सेवन किया तो दोषों को स्थान में मिलेगा स्तन सिरा विवृत्त होने की वजह से स्थान वैगुण्य मिलेगा और फिर वहां पे कैसे होता है घना घन मतलब बहुत ही गाढ़ा ऐसा शोथ स्तन के अंदर उत्पन्न होने वाला है फिर वहां पे स्तन में दुग्ध हो या ना हो दोनों अवस्था में मतलब स्तन से दुग्ध प्रवर्तन हो या ना हो दोनों अवस्था देखने के लिए मिल सकती है लेकिन इसमें जो बाकी सारे लक्षण होने वाले हैं वो बाह्य विद्रधि जैसे मतलब जो भी दोषों के विद्रधि के वर्णन कहे गए हैं उस जैसे ही हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे तो इसके पीछे के दोष कोई भी हो सकता है वातज पित्तज कफज लेकिन जो भी शोध होगा वो घन होगा और इसमें से दुग्ध आ भी सकता है या उसका प्रवर्तन ना भी हो सकता है और यहाँ पे चिकित्सा में स्तन या अत्यंत सुकुमार मृदु होने की वजह से अलग एक एंगल बोला है वो एंगल क्या है वो आप अगले लेक्चर में देखेंगे तब तो आप इसको याद कीजिएगा और ये कन्याओं में होता नहीं है बच्चियों में होता नहीं है क्योंकि उनमें अभी तक स्तनगत सिराओं का मुख वक्त्र ये बहुत छोटा होता है और इसीलिए इतने बड़े पैमाने पर पे दोष अंदर जाना वहां पे संचय होना यह बात वहां पे संभव नहीं होती और इसीलिए कन्या नाम स, स मतलब कौन सा मतलब सन विद्रोधी न जायते उत्पन्न होता नहीं है और यहाँ पे इति विद्रोधि निदानम विद्रोधि का निदान पूरा हुआ इसके बाद इमिजिएटली आता है वृद्धि निदान तो हमारे आज जो दो व्याधि है विद्रोधि और वृद्धि उसमें से दूसरा व्याधि तो अगर मैं ऐसी कॉमेंट करूंगा कि पूरे बागभ के निदान स्थान में वन ऑफ द मोस्ट दिग्लेक्टेड व्याधि थ्रू एंड थ्रू सर्जिकल कंडीशन इसलिए समाज में भी धारणा वही है और वैद्य वर्ग में भी धारणा वही है और दूसरी बात उसकी वजह से दुष्टकर्मता और कृतकर्मता ना होने की वजह से अगर हमने उसका निदान कर भी लिया तो हम उसके लिए चिकित्सा करने में अक्षम हो जाते हैं तो मैं यहाँ पे एक चीज आज डिलीबरेटली करने वाला हूं हम उल्टा कहते हैं कि हमें हमारे दिमाग में जो बात जल्दी आ जाती है वो है कोरिलेशन कि हम जब प्रमेय देखेंगे तो लगता है कि डायबिटीज है क्या हम अगर गाउट को देखेंगे तो हम वातरक्त ढूंढने के लिए जाते हैं तो ये कोरिलेशन ये बिल्कुल सही नहीं है सही नहीं किस बात पे इसका मतलब वातरक्त ये कभी गाउट नहीं होता ऐसा है क्या ऐसा नहीं है हमें रुग्ण कोई भी हो हमें उसका निदान हमारे परिभाषा में करना है प्रमेय हो हो वातरक तो कोई भी चीज हो। लेकिन होता कैसे है कि एटलीस्ट ये निदान हमारे दिमाग में तो आते हैं वृद्धि ये निदान जब हम कुर्सी में बैठने हैं तो हमारे दिमाग में आता ही नहीं है कि किस चीज को वृद्धि कहना है और इसीलिए मैं आज आपको सिर्फ हिंट देने वाला हूँ कि किस प्रकार के रुग्ण अगर आपके पास आए तो आप वृद्धि ये सस्पेक्ट कर सकते हैं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि उसको वन इज वन को करो लेकिन किन मॉडर्न डायग्नोसिस को आप वृद्धि के तरीके से कर सकते हैं और हमारे ग्रंथ की की संप्राप्ति निदान लगाने कोशिश कर सकते हैं तो वो प्राय आप देखेंगे आगे जाके कि इसमें दो चीजें मैं सिर्फ वहां पे कहूंगा एक तो पहले जो प्रकार है वो वृषण फल को संबद्ध है और इसीलिए हाइड्रोसील या उच जैसे जो बहुत बहुत सील से खत्म होने वाली अवस्थाएं हैं जिनमें जो फिजिकल स्ट्रक्चर है मेल का वहां इसके संबंध में जो भी शोध प्रधान हम निदान वृद्धि के अंडर कर सकते हैं वी कैन सस्पेक्ट सो बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो गुड़ लगता है हमें बहुत बार व्याधि क्योंकि हम पढ़ते नहीं है दूसरा लज्जा होती है रुग्ण में और वैद्य में भी तो ये चीज हम डिस्कस नहीं कर पाते लेकिन अगर कोई अः रुगण आप देखने के लिए मिले या आप उसका परीक्षण कर लो तो रिमेंबर कि वृद्धि इज द अधिकरण विच यू टू एक्सप्लोर। और दूसरा है बहुत बार हरनिया नामक जो व्याधि है उसकी अलग अलग अवस्थाएं भी कुछ अंश तक वृद्धि का जो अंतरवृिभाग है उसके साथ मेल खाती है यस

वो जो आता है वो वो आप देखने वाले अगले सेशन में वृद्धि का कल्प है और वृद्धि बहुत अलग अलग जगह उसका इस्तेमाल होता है बहुत ही बढ़िया ढंग से उसका एक मॉडिफाइड वर्जन जो है सुकुमार कशाय वो भी साउथ इंडियन प्रैक्टिस में बहुत इस्तेमाल होता है बट इट इज बेसिकली लोकेटेड इन वृद्धि चिकित्सा उसके साथ साथ गंधर्व अत्यादि एरंड स्ने का जो दूसरा पाठ है जो व्यवहार में मिलता है सिद्ध क्षीर वाला उसका भी चिकित्सा में वर्णन संग्रह में वृद्धि में देखने के लिए मिलता है वृद्धि यह अलग अलग नाम से देखी जाती है अलग अलग ग्रंथों में या एक ही ग्रंथ में भी ब्रद्न वर्ध्म ये भी वृद्धि के पर्याय नाम है याद रखो और अगर याद रखे तो हमें एरंडला की माधु बस्ती जो माधु वर्जन है उसमें भी हमें में इसका वर्णन देखने के लिए मिलता है तो हमारे पास इसके आयुध, शस्त्र, वेपन्स, ये बिल्कुल दिए गए हैं। हमें करना क्या है उसका योग्य निदान करने की क्षमता लानी है और ये हमारे आज के सेशन का प्रयोजन होगा तो अथ वृद्धि निदानम ये वृद्धि निदान शुरू करेंगे क्रुद्धो रुद्ध गति ही वायु वायु शोफ शूल चरण मुस्कु वंश फलकोष अविवाहिने हि प्रपिड्य धमनी वृद्धिं करोति फलकोषयो हो तो सबसे पहला जो पढ़ा हुए जैसे एग्जैक्टली अपोजिट टू तो द विद्रदी। विदर्धि में किसी एक दोष का वर्णन नहीं था यहाँ पे संप्राप्ति ही प्रधान दोष से शुरू होती है वो है वायु वो भी वायु का प्रकोप का विशेष वहां पे उल्लेख उन उन्होंने किया है रुद्ध गति ही वायु जब वायु रुद्ध गति क्रुद्ध मतलब यहाँ पे अभी यहाँ पे दो मत मतांतर है टीकाओं में भिन्न भिन्न ग्रंथों के कि वायु क्रुद्ध मतलब प्रकोपित और क्रुद्ध कहने की जहाँ पे जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है वो उसकी गति बिगड़ गई है यह दर्शाने के लिए किया है तो वायु की गति बिगड़ना यह वहाँ पे बहुत मुख्य इवेंट है तो कुछ टीकाकर ऐसा कहते हैं कि वायु की गति पहले से ही बिगड़ी हुई होती है खुद के हेतुओं के द्वारा और फिर वो और एक बार रुद्ध गति होता है लेकिन अरुण दत्त का कहना है कि रुद्ध गति होने के वजह से क्रुद्ध हुआ वायु तो अभी हम अरुण ड़को, अरुण दत्त को लेकर चलेंगे कि वायु का मार्गवरोध की वजह से प्रकोप हुआ है इतनी सिंपल चीज यहाँ पे देखने के लिए मिलती है तो एक बात को स्पष्ट हो गई कि वृद्धि की सामान्य संप्राप्ति शुरू करने वाला वायु यह मार्गावरोध की वजह से प्रकोपित हुआ है एक बात क्रुद्ध यह शब्द हमें यह दर्शाता है कि इसकी गति में बदलाव आया है गति विकृति हो गई है और इसके बाद जो आगे का जो शब्द है शोफ शूल ये इस वायु की टेंडेंसी है कि संप्राप्ति में वायु डे वन से शोफ और शूल करते करते आगे संप्राप्ति करने वाला है मतलब देखो शोफ शूल कर रहा चरण चरण मतलब क्या वो शरीर में घूमता रहता है यहां वहां अभी तक वह वंशन या मुश्क यहाँ तक पहुंचा नहीं है वो शोफ शूल करते करते देशा देशांतरम जाओ, 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 रूप आपको क्लासिक स्थान संचरे के पहले भी शरीर में यथा तत्र शोफ शूल और जो कि मूविंग कैटेगरी का है एक जगह पे नहीं रुकने वाला है कभी यहाँ पे शोफ कभी यहाँ पे शोफ कभी यहाँ पे शूल ऐसा करते करते वायु शरीर में घूम रहा है

फलकोष, मुष्क, वृषण, ये तीनों एक दूसरे के पर्याय बोले हैं तो वहां पे जो वहन करने वाली धमनी है उनकी जाके पीड़ा करता है कौन ये बात करता है और उसी, उसके वजह से क्या होता है पीड़ा करने की वजह से वहां पे मार्गवर हो जाता है और इस मार्गवरोध होने की वजह से हमें फलकोश में वृद्धि देखने के लिए मिलते हैं उनका आकार बढ़ जाता है और वृषण मुश्किल फल ये जो एक दूसरे के पर्याय नाम है इनका आकार बढ़ना ये इसका प्रधान लक्षण होने की वजह से बढ़ना मतलब वृद्धि इसलिए इस व्याधि को वृद्धि कहा है तो वृद्धि का मतलब बढ़ना आकारवत बढ़ना क्या बढ़ना फलकोश बढ़ना ये यहाँ पे अपेक्षित है ये इस व्याधि का प्रत्यात्म लक्षण है तो ये इसकी सामान्य संप्राप्ति हो गई इसके आगे जाके इसके सात तरीके के भेद कौन कौन से वो देखेंगे दोषास्त्र मेद मूत्रांतर ही सवृद्धि सप्तधा अनिलात मूत्रांतर भेदस्तु केवलम तो सात भेद कौन कौन से है दोष मतलब, मतलब रक्तज मेदोज मूत्रज और अंतरज ये सात प्रकार के वृद्धि कहे गए हैं इसमें भी उन्होंने क्या कहा है कि देखो इसकी चर्चा हमने कुछ अंश तक पहले कही गई की थी विद्रधि में कि मूत्रज अंतरज इसमें अभी अकेला मूत्र या अकेला अंत्र तो व्याधि उत्पन्न नहीं करने वाला दोषों की आवश्यकता तो रहने वाली है तो यहाँ पे ये दो प्रकार विशेषता यह अल्टीमेटली वात वातज प्रकार ही है इसके पीछे वात ही है लेकिन इनमें हेतु भेद होने की वजह से इनका अलग अलग वर्णन किया है हेतु भेद ये कौन से है ये हम उन प्रकारों के वर्णन के दरमियान देखेंगे लेकिन हेतु भेद होने की वजह से उनके चिकित्सा में साध्यत्व में यह बदलाव आ जाता है और इसके वजह से उनके पीछे का दोष एक ही होने के बावजूद हमें अल्टीमेटली चिकित्सा करनी है हम चिकित्सक है तो हम निदान में उस तरीके से भेद करेंगे जिस तरीके से हमें ट्रीटमेंट करने में आसानी हो आ जाए और इसीलिए ग्रंथ ने यहाँ पे हेतु भेद संप्राप्ति में कुछ अंश तक भेद और चिकित्सा भेद ये होने की वजह से मूत्रज अंतरज इन वृद्धियों का वर्णन अलग से किया है उसके साथ साथ टीकाकरण यहाँ पे एक बहुत बड़ा सिद्धांत कह देते हैं कि मूत्रज अंतरज ये उपलक्षण मात्र है एग्जाम्पल फॉर द फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट सिमिलरली मेदोज और रक्तज यह जो भी प्रकार कहे गए हैं यह भी दूष्य है दूष्य विशेष है तो इनके पीछे भी दोष होने वाले हैं और वो दोष तो कौन कौन से कहते हैं तो अन्यत्र टीकाकरण स्पष्ट तरीके से कहते हैं कि अब जब मेदोज कहते हैं तो उसके पीछे कफ ये आने ही वाला है रक्तज कहते हैं तो उसका जो आश्रय है वो पित्त वो आने ही वाला है लेकिन उसके साथ जो विशेष दूसरा संबंध लक्षण है वो जुड़ जुड़ जाते हैं और इसीलिए हमें अलग भेदों का वर्णन करना पड़ता है और याद रखिए जो जो सिद्धांत है कि जो मेदो जैसे जो जो प्रकार होने वाले हैं वो जहीं, जहां कहाँ आपको देखने के लिए मिले भी व्याधि में उसके पीछे वाला जो दोष होने वाला है वो प्रायः उसका जो आश्रय दोष है वो रहने वाला है ये यह सिद्धांत यहाँ पे हमें याद में रखना है ठीक है तो उसके बाद जो लक्षण आते हैं वो है बहुत ही आसान है ये आप इजीली समझ जाओगे वातपूर्ण द्रति स्पर्शः रुक्षो वातत अहेतु रुक ये अभी जो स्पर्श वर्णन होने वाला है वो बड़े हुए फलकोश मुष्क भ्रष्ण इनका है सो विजुलाइज करो कि भ्रष्ण का परीक्षण कर रहे हैं फलकोश का परीक्षण कर रहे हैं उसका स्पर्श कैसा है वातपूर्ण द्रति ही मनु हवा से भरे हुआ गुब्बारा या थैली इस जैसा स्पर्श रुक्ष 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 और स्निग्ध ये दोनों दृष्टिगम्य गुण है ये हमें आंखों से समझ में आता है कि रुक्ष है या है स्निग्ध स्पर्श से समझ में आता है वो आगे जाके लक्षण खर ये लक्षण आ जाते हैं तो रुक्ष स्निग्ध याद रखो देखने से समझ में आने वाले गुण है तो देखने में रुक्ष बात अहेतुरुक और वात से ये जो पहले के दो लक्षण है उनके साथ साथ अहेतुरुक मतलब

यह वात की टेंडेंसी है वात का स्वभाव है कि वो जब चाहे शूल उत्पन्न कर सकता है ये ये उसका हमें देखने के लिए मिलता है यह हो गया ये अहे रुजा अहेतुर के एरिया में होने वाली है रुजा होने वाली है पित्त का वर्णन क्या है पक्वोदम्बर संकाशाह पित्तात दाहोष्म पाकवान उसका वर्ण कैसे होने वाला है यहाँ पे जो उदुम्बर के फल दिए गए हैं उनमें जो पक्व है उनका जो बाहरी जो हिस्सा है लाल रंग का वो यहाँ पे मुझे दर्शाना है उस जैसे आरक्त देखो ग्रंथकार ये बहुत होशियार है उन्हों, उन्होंने सिर्फ आरक्त ऐसा किया तो चल जाता लेकिन उसमें भी इतनी सारी शेड्स होती है कि हमें उसमें से कौन सा वर्ण देखना है ये समझना मुश्किल हो जाता तो सृष्टि में जो पैरामीटर अनचेंज्ड है उदुम्बर नाम का पेड़ ये मनुष्य आने के पहले से था ये बाद में भी रहेगा और इसका वर्ण ये त्रिकाला बाधित है तो ये सबसे शाश्वत प्रमाण है कोई भी वर्ण बो, वर्ण बोलने का और इसीलिए आप किसी भी कोने में जाओ देश के आपको वर्ण देखना आसान होने वाला है फोटो में दिखे जैसे रक्त की शेड रक्त वर्ण की शेड ये देखने के लिए मिलने वाली है पित्ता और ऑब्वियसली और लक्षण कौन से होंगे दाह उष्मी स्पेशली बाहर से भी होती है जब आप हाथ लगाएंगे वृषणों को तो आपको गर्माहट महसूस होती है दाह लक्षण ये विशेषता रुग्ण संविध है दाह रक्षण ये वैद्य संविध बिल्कुल नहीं है दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन दाह और उष्मा और पाकवान वहां पे आगे चल के पाक पुयतपत्ति ये भी चीजें हो सकती हैं कफज वृद्धि में क्या है कफाचितो गुरु स्निग्धा कंडुमान कठिनो अल्परुक तो कफा के वजह से वहां पे क्या है शीत यहाँ पे कफा शीत यहाँ पे रस्प हो गया है इट्स अ टाइपिंग मिस्टेक वो दीर्घ चाहिए शीत स्पर्श होने वाला है वो गुरुत्व रुगणों को वहां पे बहुत गौरव महसूस होने वाला है स्निग्ध स्निग्ध के लिए है कंडुमान स्पर्श कैसा है काठिन्य है वहां पे और रुजा कैसी है बात तो ये करता होने के बावजूद यहाँ पे कफच प्रकार होने की वजह से रुजा तो है लेकिन वो बहुत कम है बाकी प्रकारों के तुलना में ठीक है ये बहुत स्पष्ट है उसके बाद रक्तज वृद्धि का लक्षण देखो कृष्णस्फोट आवृतः आपको अगर रक्तज विद्रधि याद होगी तो यही बात इसी भाषा में उन्होंने कही थी उसके बाद पित्त वृद्धि लिंग ये दोनों चीजें अगर एक साथ आ जाए तो आप रक्त का निदान कर सकेंगे देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही अलग लक्षण बोला है जो कि स्फोट है और इसका मतलब रक्त जब प्रकर्ष से दुष्ट हो जाए तो आपको त्वचा पे कृष्ण वर्ण के दिख सकते हैं और तब आपको कुछ थोड़ी अलग चिकित्सा रक्त को समझ के करनी पड़ेगी ये बात आप अंडरलाइन करके रखिए उसके बाद जो आता है वो मेधोज वृद्धि कफवत मेदसा वृद्धि कफ की तरह ही मैंने पहले कहा वैसे कि सारा प्रेजेंटेशन आश्रय आश्रय भावने की वजह से मेद कफ की तरह ही होने वाला है लेकिन प्रकार अलग किया है तो हमें उस दुष्य का कुछ विशेष लक्षण देखने के लिए मिलेगा वो क्या है तो मृदु ताल फलोपम उसका स्पर्श मृदु है कफज का स्पर्श कैसा है कठिन है मेदक मेद का स्पर्श कैसा है मेदज वृद्धि का मृदु है कैसा मृदु है उसमें भी ग्रेडेशन हो सकते हैं अगेन देर इज अ वेरी स्पेसिफिक स्टैंडर्डाइजेशन ताल फलोपम ताड़ का फल जो आपने देखने का शायद आपको मुझे उसका हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं इसलिए मैंने उसका फोटो यहाँ पे डाला है ये में ताड़ क्या? ताड़ गोड़ा. ये कोकण में तो बहुत देने, देखने के लिए मिलते हैं आजकल आजकल सब जगह तो आपको और एक अंदर ये इसी तरीके से उसको मारदा होता है इस तरीके का स्पर्श आपको मेदोज वृद्धि में अनुभूत करने के लिए मिलने वाला है तो ये पहले पांच प्रकारों का वर्णन यहाँ पे हो गया अभी जो हेतु दो भेद कहे गए, गए हैं वो है मूत्र वृद्धि और अंतर वृद्धि। पहला है मूत्र वृद्धि। उसका पहला सूत्र देखते हैं मूत्र धारणशील मूत्रजहा सतु अंभो पूर्णद्रुतिवत क्षोभम यादु मूत्रकृधस्ताच वलयम फलकोशयो हो क्या है इसका विशेष हेतु क्या है मूत्रधारण शील मूत्र वेग धारण का शीलन करना इसका मतलब अगेन इट्स अ क्रॉनिक कंडीशन मतलब कल मूत्र धारण कर लिया और आज मूत्र वृद्धि हो गया न, बिल्कुल नहीं तो शीला ना मतलब ये एक ही है इसका मूत्र वेग विधारण करने से वजह से क्या होता है बहुत दिन तक अगर इसको करते रहे तो मूत्रजहा मूत्रज वृद्धि होने वाली है स वो क्या दिखाती है कौन कौन से लक्षण है पहले गच्छता अंभो भी पूर्ण द्रुतिवत क्षोभम याति यहाँ पे श्लोक जिस तरीके का है उस तरीके का डिविजन नहीं करना है वाक्यों का गच्छता अंभो भी पूर्ण द्रुतिवत क्षोभम याति ये एक लक्षण है मतलब क्या गच्छता मतलब चलता है जब रुग्ण चलने लगता है तो अंभ मतलब पानी पूर्ण द्रुतिवत मतलब पानी से भरी थैली जैसा क्षोभ मतलब मानो वृष्ण की जगह कोई पानी से बड़ी भरी हुई बड़ी थैली लटकाई है

स यहाँ पे ईषद अर्थ से है तो यहाँ पे रुजा कम है और स्पर्श मृदु है और उसके साथ साथ स्थान विशेष लक्षण क्या है इतना संचय होने के बाद ऑब्वियसली मूत्र कृच्र यह लक्षण देखने के लिए मिलने वाला है और फलकोशयो अधस्तात् वलयम मतलब फलकोश के नीचे मतलब इंथ्रेयर साइड में नीचे के बाजू में वलय मतलब कोई तो उच्चेद ऐसा दिखने के लिए मिलता है जिसकी रचना इट इज अ रिंग और लाइक अ रिज तो गोल और उत्थेद युक्त ऐसा वहां पे हमें बल यह देखने के लिए मिलता है विच इज विच कैन बी सीन टू द इंफेरियर साइड ऑफ द फलोकोश निचले भाग में देखने के लिए मिलता है तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल बेडसाइड डिस्क्रिप्शन हमें देखने के लिए मिलता है मूत्र वृद्धि इस व्याधि का उसके आगे जो है वो अंतर वृद्धि उसका भी विशिष्ट हेतु कहा गया है बात कोपी भी आहार शीत तो या धारणे रण भाराध्व विषमांग प्रवर्तन ही क्षोभिता ही, अन्य क्या क्या है देखो अगेन इजी टू पहले कोप के लिए जो भी बोले हैं वो सारे वो कहाँ पे मिलने देखने के लिए मिलेंगे तो ऑब्वियसली अनुक्त है तो इसी आ, स्थान के पहले अध्याय में सर्व रोग निदान इस अध्याय में बात प्रकोप के जो भी आहार आहार हेतु बोले हैं वो सारे यहाँ पे हम इंक्लूड कर सकते हैं तो एक तो वातावरण प्रकोप किससे होगा आहार से होगा ये एक बात उसके साथ आगे के जो हेतु है, है वो कौन कौन से देखिए शीत तो वेग अभी यहाँ पे वेग का उल्लेख नहीं है लेकिन धारण ही वेगों को लगाना है वेगों का धारण करना तथा उनका बलपूर्वक उद्दीर्ण करना भार वहन करना अधवा मतलब अति संक्रमण करना और विषम अंग प्रवर्तनम चेष्टा जो शरीर की वो बहुत ही विषम तरीके से करना असिमेट्रिकल तरीके से करना और इसी तरीके से क्षोभ ही अन्य ही चोभ उत्पन्न करने वाले मतलब शरीर में क्षोभ उत्पन्न करने वाले जो अन्य भी हेतु होंगे स्पेशली विहारात्मक यहाँ पे कौन से है शीत तोय से शुरू होके प्रवर्तन तक ये बहुत ही स्पेसिफिक है लेकिन इस तरीके से क्षोभ उत्पन्न करने वाले अन्य विहारात्मक हेतु भी यहाँ पे स्थान संशय के लिए कारणीभूत होते हैं देखो शीत तो या अवगाहन नंतर अध्व, ये इसे और अगर आप देखे तो ये सारे संप्राप्ति अधो शरीर की तरफ निर्देश करती है और इसीलिए मुख्यतः वात वात का, गत वात की गति ये अधो मार्ग से होने के लिए हमें अधो शरीर में स्थान वैगुण्य उत्पन्न होना यह बहुत जरूरी है के अधो स्थान वैगुण्य उत्पन्न होना है जरूरी है और उसके लिए ये सारे विशेष हेतु है जो अधो शरीर में क्षोभ उत्पन्न करते हैं तो एक तो आहार जो प्रकोप हेतु और प्रायः शरीर में क्षोभ उत्पन्न करने वाले विहारात्मक हेतु इनका कंबाइंड प्रेजेंटेशन अगर आगे देखने के लिए मिले तो कैसे होता है रिफ्लेक्शन उसका तो क्षुभित अन्य क्षुभित अन्य उसके आगे जो संप्राप्ति है वो क्या है क्षुद्रांतर अवयव यदा पवन विगुणीकृत्य स्वनिवेशात अधो कुरियात वंशन संधि स्था ग्रंथ्याभम श्वेतुम तदा मतलब क्या ये एक सब होने के बाद जो कर्ता को नहीं यहाँ पे प्रकुपित वायु वो क्या करता है क्षुभित तो वो खुद क्षुब्ध हुआ है प्रकुपित हुआ है अभी जैसे क्रुद्ध है वैसे क्षुभित ये जो शब्द है इसका मतलब क्या प्रक्षुब्ध मतलब ऐसे बहुत चिड़ा है मतलब अगेन इट इज इंडिकेटिव ऑफ गति जो उसकी गति विकृत हुई है बढ़ गई है वो वहां पे क्या करने वाली है क्षुद्रांत्र अवयवम यदा पवनम विगुणिकृत्य पवन मतलब वायु, सुभीत होने की वजह से यदा क्षुद्रांत्र अवयवम जो हमारे शरीर में स्थूल और क्षुद्र ऐसे जो आंत्र ये नाभि के अधो होते हैं विशेषता उसमें से जो क्षुद्र आंत्र है उसका विशिष्ठो कोई भाग या अवयव वह वायु क्या करता है स्वनिवेशात मतलब क्या वहां जाने के वजह से वो किसी एक जगह पे जाके शुद्रांत के किसी एक भाग में निवेश कर जाता है प्रवेश करता है आश्रय लेता है और उसके वजह से वो कैसा है क्षुभिता है तो वहां पे जाके शांत तो बैठेगा नहीं वो तो क्या करेगा वो उसको बलपूर्वक कहीं तो लेके जाने की कोशिश करेगा मतलब उसका बल इतना बड़ा है कि तो अंतर के एक विशिष्ट भाग को बल से विशिष्ट जगह पे लेके जाने की कोशिश करता है किस तरीके से विगुणी कृत्य अधोनयेत प्रगुण का मतलब होता है सीधे इन द स्ट्रेट लाइन और इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन द्विगुणा मतलब उसके नॉर्मल डिरेक्शन के बाहर तो वो उसके जो खुद का स्थान है क्षुद्रांत का उसके अवयव का मतलब उसके किसी विशेष भाग का वो उसको खुद के स्थान के हिलाकर किसी अलग स्थान में लेके जाने कर अल्टीमेटली अलग मतलब कहाँ पे नीचे की दिशा में लेके जाएगा तो पहले तो विगुणी कृत्य मतलब उसको उसके नॉर्मल जगह से हिलाएगा और फिर उसको अधोनगित उसको उसके पोजिशन से नीचे की ओर लेके जाएगा और याद रखो हम यहाँ पे क्षुद्रांत से नीचे मतलब क्षुद्रांत से नीचे क्या है सो so अल्टीमेटली ये उनका एंड पार्ट है सो क्षुभित so, पवन क्षुद्रांत के अवयव को क्षुद्रांत के विशिष्ट भाग को खुद के जगह से हिलाकर अधो तरफ लेके जाता है कहाँ तक लेके जाता है वंशण संधिस्था जो जब वंश संधि तक पहुंचता है तो हमें वहां पे एक ग्रंथी जैसा देखने के लिए मिलता है और अगेन अगर आपने के देखे होंगे तो बहुत बार हमें ये पेशेंट इन सर्जरी वार्ड क्या होता है सहा कौन सहा मतलब वायु वो वंश संधि तक पहुंच के उसके साथ कौन है अभी क्षूद्रांत रहे तो वायु क्षुद्रांत के साथ वंशन संधि तक पहुंचकर वंशन संधि में ग्रंथि जैसा शोध उत्पन्न करता है और यह अंतर्वृद्धि का प्रधान प्रत्यात्म लक्षण है यहाँ पे उसका प्रधान लक्षण व्यक्त होता है लेकिन संप्राप्ति खत्म नहीं हो जाती क्या होता है आगे जाके उपेक्षा मानस्य अगर संप्राप्ति के दुर्लक्ष संप्राप्ति की तरफ उपेक्षा की गई उसकी चिकित्सा ढंग से नहीं की गई या इग्नोर कर लिया तो क्या होता है उपेक्षा मानस्य मुश्क वृद्धिम स वायु वही वायु वायुशन तक रुकता नहीं है बाकी वृद्धियों में जैसे होता है वैसे ही वंशन के द्वारा वो मुश्क या वृषण में प्रवेश कर देता है और क्या करेगा वहां पे मुश्क का आकार बढ़ाएगा इसके लिए उसको भी हम वृद्धि कहेंगे ले, लेकिन उस मतलब क्या हुआ क्षुद्रांत का वायु के साथ मुश्क में प्रवेश हो गया है वृषण में प्रवेश हो गया है और उसकी वजह से मुश्क का आकार बढ़ा है और उसके साथ साथ हमें स्थानिक लक्षण देखने के लिए मिल रहे हैं वो कौन कौन से है, है। ये विशेषता प्रैक्टिकल आल्सो इट इज नोन एज द टेस्ट ऑफ रिड्यूसिबिलिटी हम सबने की भी होगी इंटर्नशिप में कि जब हम मुश्किल से प्रपीडित अंत स्वनवान प्रयाति प्रदमापय जब हम मुश्किल से द्वारा हम इस अंतर का पीड़न करते हैं तो मतलब और प्रविष्ट होते होते थोड़ा सा अंदर से आवाज आती है अजीब अंदर से गैस फिल घूम रहा हो लेकिन मुखता मतलब अगर हम उसका जो फिंगर टेस्ट है हम उसकी जो उंगली है वहां पे हमने दबाई हुई वो निकाल दे प्रेशर रिलीज कर दे

इफ यूर डन य बेडसाइड एग्जामिनेशन इन यूर ओन इंटर्नशिप और क्लिकल प्रैक्टिस और ये जो अंतर्वृद्धि की अवस्था है उपेक्षा मान से आगे लेकर वो असाध्य एक बार वहां तक पहुंच गए तो आपको अंतर्वृद्धि व्याधि असाध्य मतलब क्या ऋण मर जाता है क्या ऐसा मतलब नहीं है तो व्याधि शुरू होने के पहले जो भी क्षुद्रांतर की प्राकृत कंडीशन थी वाता की प्राकृत कंडीशन थी वहां तक उसको लेके जाना यह असंभव है हम उसका यापन कर सकते हैं शस्त्र कर्म सब कर सकते हैं लेकिन पूरी की पूरी संप्राप्ति भंग हुई ऐसा होना यह संभव नहीं होता है और इसमें बाकी भी लक्षण देखने के लिए मिलते हैं क्या बिल्कुल मिलते हैं दोष प्रधान बात है ये तो हमने शुरुआत में ही देखा था और इसीलिए वृद्धि समाकृति बात वृद्धि इस लक्षण प्रकार के में जो भी अलग अलग लक्षण बोले गए हैं वो सारे लक्षण हमें इस अंतर्वृद्धि में भी देखने के लिए मिल सकते हैं इसके बाद एक जो आगे के जो हमने आगे का सूत्र की जो पंक्ति है उसका इंक्लूजन हमने आज पठन में नहीं किया था इसका प्रयोजन इसका रीजन ऐसा है कि ये सूत्र अरुण की जो टीका आजकल प्रिंटेड अवेलेबल है वो अरुण का मानना ऐसा है कि ये जो पंक्ति है वो आगे इसके बाद जो व्याधि शुरू होता है गुलम उसकी पंक्ति है लेकिन अगर आप संपादक जो संपादक है इस सटीक वागब के इनकी तरतीब देखे नीचे उन्हें दिया हुआ होता है उनमें उन्होंने चंद्र तोडर इंदु ये अष्टांग हृदय और संग्रह के अलग अलग टीकाकार देखें, तो इन सबका उन्होंने वहां पे रेफरेंस लिया है और उन्हें कहा है कि अरुण से भिन्न बाकी सारी टीकाकारों का मत है बाकी सारी टीकाकार कहते हैं कि ये जो पंक्ति है ये अंतर्वृद्धि के असाध्य अवस्था का ही वर्णन है और इसीलिए बहुमत के आधार पर अगर हम स्वीकृत कर ले कि ये उसका वर्णन है तो हमें इसको देखना भी जरूरी हो जाता है और ये देख लेते हैं कि एग्जैक्टली exactly अन्य टीकाकरों के दृष्टिकोण से ये पंक्ति किस तरीके से अंतर वृद्धि का वर्णन करती है तो जो वो वृद्धि होने वाली है वृषण में वो कैसे देखने के लिए मिलने वाली है असाध्य अवस्था में रुक्ष कृष्ण रुक्ष उसका स्वरूप है कृष्ण वर्णन है अरुण वर्ण हो सकता है सिरा तंतु जाल गवाक्षिता

वृद्धि का वर्णन खत्म हो जाता है यहाँ पे इस वृद्धि का वर्णन खत्म होने के बाद मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि मुझसे शुरुआत करके हम सारे वैद्य ज्यादा से ज्यादा वाले भविष्य में वृद्धि के लोगों के परीक्षण करके उनके चिकित्सा करने में सक्षम हो हमारी दुष्टकर्मता बढ़े मेरे से शुरू करके मुझ में मुझे भी वैयक्तिक अगर हम सोचे तो वृद्धि के रुग्णों का यह अनुभव ना के बराबर है लेकिन शुरू कहा से कर सकते हैं तो शुरू आज से बिल्कुल से कर सकते हैं और वृद्धि का चिकित्सा जो अःपेक्ट है वो जब आगे आगे के लेक्चर में पूरा होने वाला है आगे के के लेक्चर में तो हम खुद को सक्षम पाएंगे कि पेशेंट को देखेंगे उनका परीक्षण करेंगे और उनकी अवस्था निश्चित करके जितना हमारे हाथ में है उतना करने की कोशिश तो हम सौ टका करेंगे ऐसा हम खुद को कमिट आज करेंगे इस अध्याय के अंत में और ऐसा करके हम यहाँ का जो वृद्धि का जो वर्णन है वो पूरा करते हैं इति वृद्धि वृद्धिदानम इसके आगे का जो गुल्म का एस्पेक्ट है वो विदर्भ वृद्धि चिकित्सा के अध्ययन के बाद हम देखेंगे ये हमने टुकड़ा इसलिए किया है क्योंकि समझने में सोकर यह हो तीनों निदान साथ में देखकर तीनों चिकित्सा साथ में देखना ये बहुत डिसकनेक्टेड हो सकता था और इसीलिए हमने ये कन्वीनियंस के लिए डिविजन किया है तो आज ये हमारा अध्याय का जो पहला दो अंश है वो पूरे हो गए संविता बोध के अगले सेशन में हम इनकी चिकित्सा ये अष्टांग हृदय चिकित्सा देखने वाले हैं धन्यवाद अगर कोई शंकाएं हो तो हम इसके आगे उनका आँ... उनको देखेंगे हाँ बिल्कुल अः अभ्यंतर विदृति में पक्व और वक्तरा श्राव बिल्कुल यही सवाल मुझे भी आया था और अगर बाकी भी आप वर्णन देखें अन्य ग्रंथ में तो वही होता है कि इसका मतलब यकृत, प्लीहा और जो भी जो भी ऊपरी प्रायहा है उनमें एक बार भेद हो जाए, तो, हूं। सवाल नहीं होगा तो अभ्यंतर विद्रधि मध्य पक्व और असेल तर असाध्य मग सर्व नाभी उर्दू असाध्य होती का देखिए इसका मतलब हिंदी में क्या है कि अगर मुख से श्राव होना ये असाध्य लक्षण है तो नाभि के उर्ध्व सारे विदर्धि असाध्य होंगे क्या वो पक्व विदर्धि के बारे में है तो सारे के सारे पक्व विद्रोधी होता होगा तो असाध्य होंगे लेकिन वही अगर विदग्ध अवस्था में होंगे या आम अवस्था में होंगे तो वो साध्य हो सकते हैं सो दिस इज रिगार्डिंग श्राव एंड नॉट एम्पेरिकली सो कल यकृत यकृत और प्लीहा यहाँ पे आपको विद्रोह का उप देखने के लिए मिले और अगर अवस्था आम या अभिन्न हो तो आपको चिकित्सा के लिए बिल्कुल अवकाश है और इसके चिकित्सा के सूत्र मतलब के अलग अलग नहीं लेकिन अभ्यंतर विद्योधी के चिकित्सा के सूत्र आपको विद्युति के चिकित्सा में बिल्कुल देखने के लिए मिलने वाले हैं हाँ ये भी अभी एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि सुश्रुत ने स्थूरान्तर बोला है वाकबर ने शूदांत कहा है यह भी मतलब मैंने वो जब रेफरेंस देखा था तो यह मेरे लिए भी अभी सवाल है इसका जवाब मुझे अभी तक मिला नहीं है सो मैं दुर्दय से आपका जवाब नहीं दूंगा सेम क्वेरीज लाइज मी कि ने स्थलांतर बोला है वाकबर ने क्षुद्रांतर बोला है तो ऐसा क्यों हुआ है और किसका पक्ष कैसा है इसके लिए किसी और सीनियर वैद्य से वो पूछना पड़ेगा हम ये कोशिश करेंगे कि अगले बार जब कोई सीनियर वैद्य आए तो उनको पहले ही हम सवाल पूछ लेते हैं और उनके द्वारा अगर जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे लेकिन मेरे पास अभी इस मतमतंतर का हल क्या है ये जवाब नहीं है तो, तो तो स्वतंत्र विचार करना पड़ता है और उसमें हमें स्वतंत्र वृद्धि की चिकित्सा करनी पड़ेगी लेकिन वो बलवान उपद्रव है इसीलिए उससे वृद्धि पूरी ठीक हो जाएगी क्या वृद्धि का पूरा ठीक होना या ना होना ये उस उदर, उदर के अवस्था पे होने वाला है और आप अवस्था बोल रहे जो अवस्था कहा है कि ये प्रायः जन्मतः असाध्य होते हैं इसीलिए अवस्था में वृद्धि आ गए तो आपको उसको वृद्धि अधिकरण की चिकित्सा यापन तरीके से करती रहनी पड़ेगी ऐसा मुझे लगता है विद्रदी से जे दुष्य संगित है अंत अंतर्द्रोधी मध्य दिखता असा है कि बाह्य विद्रोधी मध्य न... नहीं वो दोनों तर... दोनों जगह देख सकते हैं मैं उल्टा कहता हूं आपको कि में बाह्य उल्टा आप जब देखोगे तो बहुत सीवियर प्रकार की विद्रोधी होते हैं उनमें स्नायु कंडरा इन्वॉल्व होते हैं आप अगर सुश्रुत का वर्णन देखे उनमें तो उन्होंने कहा है कि अस्थि का इन्वॉल्वमेंट होता है तो मज्जा का भी होता है और उन्होंने चिकित्सा में वहां पे मज्जा से लेकर दोषों का शोषण करने के लिए कहा है बाह्यतः व्यवहार में भी स्नायु कंडरा इनका नाश होना जो पाक होता है अगर वो समय पे बाहर नहीं निकाला तो स्नायु कंडरा ये नष्ट नष्ट मतलब उनका नाश हो सकता है, उनमें हो सकता सकता है है उनमें क्षय और इससे लोगों को डिबिलिटी आना आना डिसेबिलिटी ये देखा जा सकता है तो ये जो दुष्य है यह दोस्तली त्वक को छोड़ दो क्योंकि त्वक ये मुख्यतः बाह्य मार्ग का है लेकिन बाकी सारे दुष्य ये आपको उभय मार्ग में भी देखने के लिए बिल्कुल मिल सकते हैं किंबहुना व्यवहार में स्नायु कंडर का ज्यादा ये जो प्रेजेंटेशन है ये हमें में देखने के लिए मिलता है इन कोई शंका हाँ ठीक है और तो कोई शंका नहीं है तो किसी को हो तो अभी पूछ लो तुरंत अगर कोई शंका नहीं हो तो फिर प्रेजेंटर हमारा सेशन यहाँ पे कंक्लूड कर सकेंगे ठीक है तो आ, मैं एक बार पूछ लेता हूं कि हम यहाँ पे लेक्चर कंक्लूड करेंगे ठीक है जितेंद्र कंक्लूड करना है सेशन बंद करें हाँ सर किसी को शंका नहीं है हाँ बने सभी निशंक हो गए तो ठीक <laughs> कर सकते हैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी बड़ी हाँ हाँ, बोलो बोल। सर जस्ट टू शेयर एक्सपीरियंस अ पेशेंट ऑफ योनी विद्रधि अमावस्था ऑफ बारथोलिन सिस्ट आई गेव लेप ऑफ लेप गोली अलोंग विद अभ्यंतर चिकित्सा बेदन हैपेंड नहीं बिल्कुल अच्छा इट्स गुड की आपने अगर उल्लेख तो किया है और उपन्ना का जो उपक्रम है जहां पे हमें उसका पाक करना है उसमें इसका उपयोग ये बहुत सुंदर तरीके से होता है इजिली अवेलेबल वेरी इकोनॉमिकल येट वेरी इफेक्टिव ऐसा ये लेप गोली का पाचन के लिए मतलब पकवा चमन अवस्था में पकवा करने के लिए बाह्य बिदर्दी में यह बहुत काम में आती है ये uh, ये yeah, yeah, यहाँ पे संदर्भ है तो आप सब ने उसको हमारे क्लिक में वन ऑफ द फर्स्ट एड जैसे क्लेप गोली का रखना ये बिल्कुल उपयुक्त हो सकता है इसका और आपको uh, जो एक्सप्लेनेशन है वो विद्रोही चिकित्सा में आपको बिल्कुल देखने के लिए मिलेगा थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस अन्य स्थान लाइक नाभी एक्सेट्रा या तुम वृद्धि असा अंतर्वृद्धि असच विचार करावा का अन्य का नहीं वहां पे क्लासिकल देखो वृद्धि है जो वहां पे वृद्धि अधिकरण नहीं कर देख सकते क्योंकि वृद्धि तो वैगुण्य को अधो लेके ले उसको वो तक लेके जाता है तो उनको हमें कुछ और निदान करना पड़ेगा उसको निदान क्या करना पड़ेगा ये अलग सोचने वाली बात है उसका जो मेरे पास अभी नहीं है लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि क्लासिकल की जो है, है, उसमें उसमें नहीं, नहीं नहीं बैठ सकता। उसमें हमें कुछ और माउंसस स्नायु कंडरा संबंध सोचना पड़ेगा इतना ही निर्देश में अभी मेरे क्षमता से कर सकता हूँ क्योंकि जो क्लासिकल अंतर्वृद्धि संप्राप्ति है वो हमें अंबिलिकल हर्निया जैसे कंडीशन में देखने के लिए नहीं मिलती है उस वजह से ठीक है ठीक है आ, कोई शंका अगर नहीं हो तो मैं सर को रिक्वेस्ट करता हूं कि आज का सेशन कंक्लूड कर दे सभी को सभी श्रोतगण को लेक्चर शांति से सुनने के लिए बहुत बड़ा धन्यवाद धन्यवाद एक मिनट वंशन संधि उपेत्य ग्रंथि रूपेण स्थित्व अशी एक स्टेप बाय सुश्रुत संप्रप्ति मध्ये यहाँ पे भी थी वो जो हमने देखा था आ, जो आपके सामने स्लाइड है उसमें जो तीसरी पंक्ति है ऊपर से कि वंशन संधि में जाकर वहां पे ग्रंथि रूपे ने सीतवा तो वही वहां पे थोड़ा अलग शब्द में उन्होंने स्टेप कही कुर्यात वंशन संधि स्था ग्रंथा बम श्थुम तदा तो मुझे लगता है कि सुश्रुत का वर्णन और यह वर्णन ये एक ही स्टेप है और इसलिए वो मैं बोल रहा हूँ वही बात है की यह वंशन की तरफ जाने वाला ज्यादा समृद्धि लग रही है देन जिनकी शंका की उनका समाधान हो गया शायद ठीक है अच्छी बात है तो आ, हम अभी कलूर करते हैं सेशन और अभी मिलेंगे अगले रविवार को चिकित्सा के साथ ओके थैंक थैंक यू यू